हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल दैट इज आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके साथ हूं जी, आज भी और कल भी और परसों भी। जब आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन भी जाएंगे तब भी हम आपके साथ हैं जी। वेल, वन शॉट सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। जब भी हेल्थ का जिक्र होता है तो ये नहीं समझना कि हेल्थ इज़ ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था दैट WHO, World Health Organization has defined health as a state of complete physical, mental, emotional, social, spiritual well-being। तो आपको हर एंगल से, मतलब हर तरह से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सेहतमंद होना ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी कहलाएंगे, है ना। तो भाई डिजीज़ का मतलब क्या है? डिजीज़ मतलब एनी काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ बॉडी, उसे हम डिजीज़ कह देते हैं। एग्रीड? चलो जी, सब आ चुके हैं। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, आ जाइए भाई, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तब तक आप कोई भी डाउट है, कुछ मन में सवाल है, चैट बॉक्स पे लगातार मैंने नज़र बनाई हुई है, आप अपने दिल की बात मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो पवन, हेलो ज्वलार्य, इरम फातिमा, मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद परवेज, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए जी, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के सेशन का आगाज़ करेंगे। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर, DEMPhil एंड PhD डिग्रीज, मोर देन 23 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के अपना नाम दुनिया में बना चुके हैं। आप में से जो भी बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे बात करना चाहते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम ID बता दूँ जी, डॉक्टर सचिन कपूर टॉप, TALK talk, whatever you want to say, you can join this Telegram group and you can discuss your doubts, your queries, your questions with me. तो चलिए जी, शुरू करें फिर। एक इजाजत है मानुषी, हरिकेश प्रजापति, प्रसून, उज्जवल, ग्रेट, दीपा गौतम, उत्कर्ष, उज्जवल एंड उत्कर्ष रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये, और भी हैं रेगुलर स्टूडेंट, मोहम्मद, मानुषी भी, इरम फातिमा, ग्रेट जी। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि डिजीज़ शब्द से हमारा मतलब क्या है। कंडीशन वेयर फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें शरीर के एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स की जो कार्य करने की उनकी क्षमता है वो प्रभावित होती है। डिजीज़ को हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप अगर नोट्स कॉपी आपके पास है ना तो आप लिख सकते हैं दैट डिजीज़ इज एनी काइंड ऑफ डेविएशन, शैल आई राइट इट, इट इज एनी काइंड ऑफ डेविएशन, डेविएट कर जाना, एनी काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल structural, normal structural and functional state of body। ठीक है, किसी भी किस्म का डेविएशन हो जाना नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ द बॉडी से, तो उसे हम डिजीज कह देते हैं। अब डिजीजेज भी कई प्रकार की होती हैं। NCERT कहती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक से दूसरे में फैल जाती हैं। ठीक है जी, चलो हम डिजीज़ को कुछ इस तरह से क्लासीफाई करते हैं, आप भी मेरे साथ लिखिएगा। डिजीज़ कैन बी कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल समझते हैं आप, जन्म से ही कोई बीमारी अगर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए जैसे, डिजीज़ कैन बी कॉन्जेनिटल। यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कह दीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी इन जनरल कह देते हैं। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम बता सकते हैं आप मुझे? कैन यू नेम सम ऑफ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? पढ़े हैं आपने बहुत सारे जेनेटिक्स में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ईशा कह रहे हैं लेक्चर के नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, देन नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। सही कह रहे हैं जी, हेमोफीलिया हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। चलो लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कितने सारे मैंने बता दिए कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स जो हैं, राइट? ठीक है जी। चलो हेलो रहमान, कैसे हो बेटा? दूसरी डिजीजेज होती हैं बेटा एक्वायर्ड, जो बीमारियां हमें बाद में हो जाती हैं। एक तो जन्म से ही हैं जो फिर बाद में हो गई, एक्वायर्ड डिजीजेज। इन एक्वायर्ड डिजीजेज को फर्दर दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल समझे? फैलना एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो हो सकती है वो कम्युनिकेबल है, और जो एक से दूसरे तक नहीं होती वो नॉन कम्युनिकेबल है। चलो मुझे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम बताओ। यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल के नाम बताओ जल्दी से। डायबिटीज, एक इंसान को कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो दूसरे को तो नहीं हो जाएगा ना। कैंसर, मानुषी ने सही कहा है सर, नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर अगर एक इंसान को है तो दूसरे को नहीं होगा। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए ना, डायबिटीज़ हो गया जैसे, देन गंठिया हो गया जैसे, आर्थराइटिस है, हार्ट की डिजीजेज हो गई, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं, अगर एक किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को थोड़ी हो जाएगा। थायराइड लिख रही है मानुषी, थायराइड जनरल आपने वही बोल दिया, हार्मोनल डिसऑर्डर। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे किसी को विटामिन सी डेफिशिएंसी है ना, स्कर्वी जिसे हम कहते हैं, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, तो दूसरे को थोड़ी हो जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी किसी एक को तो दूसरे को थोड़ी हो जाएगी। सो वो हो जाती है कैटेगरी नॉन कम्युनिकेबल की। आप एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना, कई बुक्स में कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए नाम लिख देते हैं इन्फेक्शियस, और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस। एनसीईआरटी ने भी कुछ इसी तरह से ही जो है वो बताया है। ईशा कह रही हैं एक ही देखा है सर आपके इस आपके लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, मुझे वो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया। अच्छा, आपका मैसेज इतना क्लियर नहीं था, बट आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ गया कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स के मेरे लेक्चर्स देखे और आपको वो समझ आ गए हैं। दैट्स वंडरफुल जी, ग्रेट। केयूर सुरैया कह रहे हैं एड्स कम्युनिकेबल है कि नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इन मैनी बुक्स यू विल फाइंड दैट कम्युनिकेबल डिजीज को ही इन्फेक्शस भी कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं टेक्निकली कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम फर्दर दो में बांट सकते हैं, दैट इज इन्फेक्शियस, जो एक से दूसरे में डायरेक्टली फैले बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंसी के, और दूसरी होती हैं नॉन इन्फेक्शियस, जो एक से दूसरे में डायरेक्टली नहीं फैलेगी, है ना। अब इन्फेक्शियस में हो गया जैसे कॉमन कोल्ड हो गया भाई, हाईली इन्फेक्शियस है, कॉमन कोल्ड जुकाम है ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जितनी वायरसेस वाली बीमारियां हैं बड़ी भयंकर हैं, एक से दूसरे में फैल जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी है ना, ये इन्फेक्शियस कैसे, मतलब टीबी वाला पेशेंट अगर खांस रहा है खांसी आ रही, वो ड्रॉपलेट्स सारे फैला रहा है, आसपास बैठा वो बंदा उसे सूंघ रहा है तो भाई उसके शरीर में चला जाएगा, है ना। केयूर सुरैया बिल्कुल शांत। अब आई डोंट नो आपकी ये रियल आईडी है, रियल नाम है या नहीं, बिकॉज मैं इसकी कोई सेंस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। जैसा भी है तो सुन लो मेरी बात, आगे आगे मत बढ़ो। डेंगू क्या है, डेंगू क्या है, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं। मेरी क्लास में आपने मुँह बंद रखना है, कान खुले रखने, आंखें खुली रखनी है, जब मैं कुछ पूछूं तो जवाब तब देना है, ओवर स्मार्टनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है। इन्फ्लुएंजा भी इन्फेक्शियस है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है तो फिर नॉन इन्फेक्शियस कौन सी हो गई, ठीक है जी। नॉन इन्फेक्शियस जो एक से दूसरे तक फैल तो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खांसने, छींकने से, हाथ लगाने से फैल जाए, राइट। इन्फेक्शियस मतलब पेशेंट के आसपास के लगभग 2-3 मीटर के दायरे में अगर कोई आता है, पेशेंट के खांस देने से, छींक देने से, हाथ लगा देने से हो गई तो वो इन्फेक्शियस है। मानुषी ने सही कहा, हेलो सोनाली। नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएगी एड्स, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कम्युनिकेबल तो है, एक से दूसरे इंसान को होती है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली तो नहीं होता ना कि खांस दिया, छींक दिया या टच कर दिया। एचआईवी के अलग अलग रूट्स हैं, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, सेमिनल फ्लूइड के थ्रू। बकार अली ने कहा मलेरिया बिल्कुल ठीक है। भाई मलेरिया भी तो ऐसे नहीं हो जाता ना, बकार मान लो मुझे मलेरिया है या मुझे डेंगू है और तुम मेरे पास बैठे हो, मैं खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं हो जाएगा ना। कैसे होगा फिर वो? अगर मुझे मच्छर ने काटा, फीमेल एनोफिलीज ने, और मुझे मलेरिया है, मेरा पैरासाइट ले जा करके तुम्हारे शरीर में डाल दिया, तो एक अलग एजेंसी इन्वॉल्व हुई उसमें। आर यू पीपल क्लियर विद दिस थिंग? सो बहुत सी बुक्स में क्या कर देते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस को ही वो कम्युनिकेबल भी लिख देते हैं, लेकिन ये टेक्निकली गलत है ना। अब आप समझ गए कि कम्युनिकेबल के दो टाइप्स हैं, infectious and non-infectious. If it is clear to all of you, then please let me know कि सर हमें ये बात बिल्कुल समझ आ गई क्लियर कि कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे तक बीमारी का फैलना। परंतु अगर पेशेंट के आसपास के 2-3 मीटर के दायरे में पेशेंट के खांसने, छींकने, हाथ लगा देने से पेशेंट का सलाइवा दूसरे के शरीर में टच हो जाए तो बीमारी फैले, तो वो कहलाएगी कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। लेकिन अगर वो बीमारी ऐसे नहीं फैल रही है, खांसने, छींकने, इन तरीकों से, पेशेंट के 2-3 मीटर के दायरे में आने में, पेशेंट के गले लगने से, हाथ मिलाने से, पेशेंट के साथ खाना साझा करने से, फूड शेयर करने से, अगर वो बीमारी नहीं फैल रही है तो वो कम्युनिकेबल तो है पर नॉन इन्फेक्शियस है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां? इज दिस पॉइंट क्लियर? चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। राइट, इशिका यादव स्क्रेबीज भी बताएंगे, मुंह बंद रखना होगा, कान खोले रखने होंगे, आंखें खोले रखनी होगी, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। जब तक ये सेशन खत्म नहीं हो जाता तुम्हारे दिमाग में जितनी बीमारियां हैं उन सबका मैं हल बता चुका हूँगा, उससे पहले चालाकी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है, चमक रहा है सबको? वंडरफुल, चलो जी आगे बढ़ते। Now let's understand what is the meaning of pathogen. हम कहते हैं ना ये पैथोजन, ये बीमारी करता है। So pathogens होते हैं disease causing organisms. Disease causing organisms they are called pathogens, right? ईशा सुनो मेरे बच्चे, बैक्टीरिया बीमारियां कर सकते हैं, फंजाई कर सकते हैं, वायरसेस कर सकते हैं, प्रोटोजोन्स कर सकते हैं, हेलमिंथ्स कर सकते हैं। Now इन जनरल अगर हमें बताना हो कि भाई डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, नोट कर लो जो लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। एनी फैक्टर विच कॉजेज disease due to its presence, absence, deficiency और excess. समझ आया? कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके होने से या जिसके ना होने से, जिसके ज्यादा होने से या कम होने से बीमारी हो जाए तो हम कहेंगे वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है। अब आप सोचे होंगे कि प्रेजेंट होने से भी डिजीज हो जाए तो एब्सेंट होने से भी डिजीज हो सकती है। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि भैया आपकी डाइट में विटामिन एब्सेंट है, आपकी डाइट में मिनरल्स एब्सेंट, शरीर में ये हार्मोन बन नहीं रहा है ना। तो एनी फैक्टर विच कॉजेज डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, जैसे बैक्टीरिया है वो प्रेजेंस है, टॉक्सिन प्रेजेंट है तो बीमारी हो जाएगी। Any factor which causes disease due to its presence, absence, deficiency और excess. Excess क्या? ज़्यादा, किसी चीज़ के ज़्यादा होने से भी बीमारी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। अगर किसी हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो भी तो बीमारी हो जाएगी ना। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गया, गाइगेंटिज्म हो जाएगा। थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो भी समस्या है। Is it clear? Disease causing agent, any factor which causes disease due to its presence, absence, deficiency or excess. अब ये disease causing agents कई तरह के हो सकते हैं। Disease causing agents can be physical. Disease causing agents can be chemical डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कैन बी मैकेनिकल। देखो कितने सारे कारण हो सकते हैं बीमारियों के। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कैन बी बायोलॉजिकल। समझ आए? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के टाइप्स, दे कैन बी फिजिकल एजेंट्स। हाँ, बकार अली कह रहे हैं पैथोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल जी, तभी तो मजा आ रहा है इसमें। पैथोजेंस की स्टडी को पैथोलॉजी कह देते हैं। तो फिजिकल एजेंट कैसे हो गए भैया? जैसे एक्सरेज, बीमारियां कर सकती हैं एक्सरेज, बिल्कुल। यूवी रेज बिल्कुल कर सकती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, ये तो हो गए फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, केमिकल एजेंट्स कैसे हो गए? शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल जैसे यूरिया, शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल्स जैसे हॉर्मोन्स, इनकी गड़बड़ी हो जाए तो भैया तो बीमारी हो जाएंगी। मैकेनिकल कैसे हो गया? जैसे कोई फोर्स लग गई आपको, है ना, आपका हाथ पकड़ के ऐसे जोर से मरोड़ दिया, या बड़ी जोर से चोट लगी, यहाँ जाके हड्डी टूट गई। कोई भी फोर्स है जो आपकी हड्डी को तोड़ दे, फ्रैक्चर कर दे, जॉइंट को डिसलोकेट कर दे, तो वो कहलाएंगे कि भैया एक मैकेनिकल एजेंट था जिसने वो बीमारी कर दी, है ना। ठीक है जी। बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से हैं? ये रहे बायोलॉजिकल एजेंट्स। द बायोलॉजिकल एजेंट्स विच कॉज डिजीजेज दे आर नोन एज पैथोजेंस। So they are known as pathogens. So what are pathogens? लिखा था ना, disease causing organisms. So I can say these are the biological agents which cause diseases. Is this point clear? Right. शांतनु ने कहा है कि सर chemical agents में आप uric acid भी ले सकते हो। बिल्कुल ले सकते हैं। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जोड़ों की एक समस्या हो जाती है, gout कहते हैं जिसे। जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप सब ये पढ़ पा रहे हो ना क्लियरली? बताओ मुझे एक बार, दीपा, आलोक, शांतनु, प्रतीक, सोनाली, उज्जवल, मानसी, इरम, एकता लालवानी, जो मैं लिख रहा हूं इट इज लेजिबल, क्लियर है ना? पढ़ पा रहे हो ना? सारी चीज के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, चिंता नहीं करनी। पीडीएफ नोट्स आपको नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर मिल जाएंगे। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर भी, डॉक्टर सचिन कपूर टॉक जो है उस पर भी आप मेरे जो नोट्स हैं आपको ये मिल जाएंगे। ग्रेट, ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ। सो डिजीज कॉजिंग एजेंट, एनी फैक्टर विच कॉजेज डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, एब्सेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस, दैट इज कॉल्ड डिजीज कॉजिंग एजेंट, राइट। एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे किन से कंसर्न हैं? बायोलॉजिकल एजेंट से। बैक्टीरिया है जो बीमारियाँ करते हैं, फंजाए हैं, अलग अलग तरह के बीमारियाँ करते हैं, वायरसेस हैं सबसे भयानक, है ना, प्रोटोजोन्स भी हैं। प्रोटोजोन्स में मलेरिया पढ़ेंगे, अमीबियासिस पढ़ेंगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है, लिशमैनियासिस के बारे में पढ़ेंगे, लिशमानिया डोनोवानी याद, ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में पढ़ेंगे, स्लीपिंग सिकनेस जो है। ऐसी हेलमिंथ्स भी हैं, वर्म्स जिन्हें हम कहते हैं राउंड वर्म्स। एशलमिंथस में एस्कैरिस है, एस्कैरियासिस करता है। देन फाइलम प्लेटी हेलमिंथस में टेपवर्म है, पोर्क टेपवर्म जो टिनियासिस करता है। क्लियर है जी, right? So there are so many diseases which are caused by helminths. There are diseases which are caused by bacteria, fungi, viruses, protozoans, rickettsia. अच्छा, इनके अलावा आपको कोई नज़र आ रहा है जो बीमारी करता होगा? अगर आपने लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन कॉज डिजीज। कैन एनीवन नेम दोज इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो बीमारियां करते हैं? याद है किसी को? हाँ जी, वायरॉइड था या प्रियॉन्स था? याद करो, प्रियॉन्स। सुमन ने, मानसी ने स्पेलिंग गलत लिख दिए, एबनॉर्मली। हाँ, अब आया याद, बिल्कुल सही सार्थक, ग्रेट। अनिल ने अमीबियासिस कह दिया। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, दे कैन ऑल्सो कॉज डिजीजेस, जिसमें हमने पढ़ा था प्रियॉन्स। बीमारी का नाम याद है आपको शांतनु? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कौन सी डिजीज करते हैं? मैड काउ डिजीज, CJT डिजीज इन ह्यूमंस, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ध्यान रखना कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ह्यूमंस में भी बीमारी करते हैं और जानवरों में भी कर सकते हैं। देखो कितनी अजीब बात है कि इवन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स कैन कॉज डिजीजेस। ओके, चलो Now let's see what are the different diseases which are caused by these organisms. एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं दी हुई, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ेस के बारे में भी ज़रूर बताऊँ, बिकॉज आप MBBS पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बेस हमें बिल्कुल सॉलिड बना करके चलना है। प्रतीक कह रहे हैं ग्रीन टी पी लीजिए। प्रतीक नहीं, आज तो मेरे पास गर्म पानी है, चाय मंगवाऊँगा थोड़ी देर में। चलो, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियाँ टाइफॉइड, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, डायसेंट्री, मैं कुछ और लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। टेटनस, टेटनस भी तो बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा आज बहुत सारी बीमारियों के बारे में। कितनी तुमने गलत धारणाएं बना रखी होंगी, राइट। आज सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया और प्लेग तो यहाँ पे दिया ही है। परटूसिस सुना है किसी ने? व्हाट इज परटूसिस? व्हाट इज परटूसिस? याद है? काली खांसी, डिप्थीरिया, एलिफेंटियासिस भी ईशा बता देंगे। ईशा स्मार्टनेस नहीं दिखानी, चुप रहना बिल्कुल, सर की बात सुननी है। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, बिल्कुल सही, राइट जी। इसके अलावा और है लेप्रसी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं। इसके अलावा है एंथ्रेक्स, इसके अलावा है मेनिंजाइटिस, राइट। लेप्रेसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, ये फिनोमिना नहीं होता दीपा, इट इज न्यूमोनिया। ये जो लिखा हुआ है लंग्स की बीमारी है न्यूमोनिया, वी विल डिस्कस दिस। आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी तो पढ़ी हैं, है ना। सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस इज फ्रेंच पॉक्स, गोनोरिया, तो ये सब हम बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर जो है। हाँ दीपा, रॉन्ग टाइपिंग, हर बच्चा यही जवाब देता है। निमोनिया को हमने फिनोमिना लिख दिया, रॉन्ग टाइपिंग नहीं, एडमिट करो गलत लिखा है। कंप्यूटर अपने आप थोड़ी तुम्हारे निमोनिया को फिनोमिना बना देगा। पी के बाद एन लिखना है, एच लिखना है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। चालाकी नहीं चलेगी भैया, ओवर स्मार्टनेस कतई नहीं चलेगी। कान पकड़ के मरोड़ के बता दूंगा मैं तुम्हें कहाँ गलत हो। बिल्कुल, सोनू कह रहे हैं क्लिनिकल केसेस आने शुरू हो गए हैं। चलो, तो ये सारी बीमारियां जो है ना, टाइफॉइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, डायसेंट्री, है ना, टेटनस, ट्यूबरक्यूलोसिस, परटूसिस, लेप्रेसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पवन सुनते रहो। वायरसेस में यहाँ पे दिया है कॉमन कोल्ड, जुकाम जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा बताऊंगा। और पता है तुम्हें कोई वायरल डिजीजेस के बारे में? चिकन पॉक्स, ठीक है जी, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, खसरा जिसे हम कहते हैं, मम्प्स, कनपेड़े, कान के पास सूजन हो जाती है, दैट इज मम्प्स। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स, याद है हमने पढ़े थे, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स का स्वेलिंग हो जाता है, कनपेड़े कहते हैं इसे हिंदी में। तो मम्प्स, मीजल्स, रुबोला। इसके अलावा डेंगू जो है ना, डेंगू का भी वायरस होता है, डेंगी, येलो फीवर, चिकुनगुनिया, राइट, येलो फीवर, ये सब वायरसेस के द्वारा करी जाने वाली बीमारियां हैं। रेबीज सही कहा, कोरोना कहा आपने, सबसे बड़ी बात हम कोरोना को कैसे भूल गए भैया। कोविड जो है वो भी वायरस के द्वारा है। इसके अलावा रेबीज जो हम कहते हैं कि पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है, सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता, बहुत सारे जानवर हैं, राइट। एड्स, बिल्कुल सही कहा आपने। हर्पीज आपने सही कहा, जेनिटल हर्पीज हमने पढ़ा है ना। प्लेग तो दीपा यहाँ पे लिखा हुआ, प्लेग बैक्टीरिया कॉज करते हैं, आप आंखें खोल के देखो ना, स्क्रीन पे ही लिखा है, वायरसेस नहीं है। हाँ, जिनको स्क्रीन ब्लर दिख रहा है उनका इंटरनेट कनेक्शन समाप्त हो चुका होगा, रिफ्रेश कीजिए दोबारा। हमारा स्क्रीन ब्लर नहीं है, आपकी तरफ से समस्या है, राइट स्मार्टी। मलेरिया, प्रोटोजोन्स, अमीबियासिस, लेशमैनियासिस, सारी लिस्ट बना लो, आज बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ट्रिपैनोसोमियासिस, ट्राइपैनोसोमियासिस स्लीपिंग सिकनेस, है ना। लिशमैनियासिस में बताऊंगा म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस, विसरल लिशमैनियासिस, काला अजर, डम डम फीवर। ओके, हेलमिंट्स में क्या क्या बताऊंगा आपको? हेलमिंट्स में बताऊंगा कि भैया जो पोर्क टेपवर्म है वो टीनियसिस करता है, राइट। इसका जो ब्लैडरवर्म लार्वा होता है वो सिस्टी सर्कोसिस कर देता है। सिस्टी सर्कस लार्वा होता है ना ब्लैडरवर्म, ब्रेन में दिमाग में भी चला जाता है। हम कहते हैं कि भैया ब्रेन में जो है कीड़ा चला गया है, दिमाग में कीड़ा चला गया है, वो टेपवर्म का लार्वा होता है एक्चुअल में, ठीक है। देन एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। अब किसी स्मार्टी स्टूडेंट ने पूछा था एलिफेंटियासिस क्या होता है, देखते हैं सर की नॉलेज चेक करते हैं उन्हें पता है कि नहीं पता, हमें तो खुद सब पता है ना। ये रहा तुम्हारा एलिफेंटियासिस। इसके अलावा आई वर्म डिजीज होती है, गिनी वर्म डिजीज होती है, ड्रैकनक्यूलिस मेडिनेंसिस, लोआ लोआ इज आई वर्म, right? So there are so many diseases which are caused by helminths also. Helminths मतलब worms। तो इसमें हम pork tapeworm के बारे में पढ़ेंगे, life cycle भी बताऊंगा, scaris का भी बताऊंगा, right? Then ankylostomiasis, ankylostoma NCRT ने दिया है ना animal kingdom में, roundworm, ankylostomiasis, ankylostomiasis। एंटीरोबियस वर्मिक्यूलैरिस है अनुष्का, पिन वर्म, सीट वर्म या थ्रेड वर्म कहते हैं। तो ये एक ओवरऑल पूरा फ्लो चार्ट बना लेना, ये सारी बीमारियां जो हैं अलग अलग कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की। हाँ आयुष्मान, आप रिंगवर्म के बारे में याद रख सकते हो, हैं तो और भी एपिडर्मोफाइटन है ना, तो वो नहीं करना आपको, रिंगवर्म याद रख लीजिए, एथलीट्स फुट, इतना काफ़ी है। हाँ सुमन, हाइडेटेड डिजीज जो होती है वो टेपवर्म का लार्वा ही करता है, सिस्टी सर्कस लार्वा, हाइडेटेड डिजीज। देन डॉग टेपवर्म भी होता है, उसका लार्वा भी कर सकता है, समस्या। चलो, तो ये मेन मेन बीमारियां आपको नजर आ रही हैं, ये सब कीटाणु बैठे हैं बीमारियां करने के लिए, और आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन ही रहे हैं तो आप इन बीमारियों का इलाज करेंगे राइट। चलो वन बाय वन शुरू करें, बैक्टीरियल डिजीजे से शुरू करें। ये सारी बीमारियां वो हैं जिनका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है सचिन बेटा वो बैक्टीरिया है, मोनेरा के मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। लेट्स स्टार्ट विद टाइफॉइड। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। दिस एंटेरिक वर्ड रेफर्स टू योर इंटेस्टाइन। सुमन, एंटेरिक वर्ड रेफर कर रहा है इंटेस्टाइन को, तो टाइफॉइड के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया है? ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, वी कॉल इट एंटेरिक फीवर, वी कॉल इट इंटेस्टिनल फीवर, वी कॉल इट एंटेरिक फीवर, वी कॉल इट इंटेस्टिनल फीवर, ठीक है। टाइफॉइड का कॉजिटिव एजेंट याद रखना है सबने, इट इज़ साल्मोनेला टाइफाई। टाइफॉइड होता कैसे? टाइफाइड का जो पैथोजन है वो आपके शरीर में जाता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पी लिया आपने जिसमें टाइफाइड का पैथोजन प्रेजेंट था, कोई स्ट्रीट फूड बाहर से कोई भी गंदा खाना खा लिया भाई जिसमें टाइफाइड का पैथोजन है। आपको याद होगा कि मैंने डिफेंस मैकेनिज्म में बताया था कि शरीर की हर एंट्री में नेचर ने कहीं ना कहीं कोई डिफेंस हमें दिया है, चाहे बकल कैविटी हो चाहे स्टमक हो। इफ़ यू रिमेंबर स्टमक के केस में मैंने बताया था स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, याद है, ऑक्जेंटिक सेल्स बनाते हैं। तो हर समय हमें टाइफाइड क्यों नहीं हो जाता? बिकॉज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ स्टमक इज अ पोटेंट, पोटेंट मतलब इफेक्टिव, HCl इज अ पोटेंट किलर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया। टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई जब आपके पेट में पहुंचेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मार डालेगा। अब जिन लोगों में एसिडिटी की समस्या रहती है, सार्थक, जैसे एसिडिटी होना कॉमन हो गई है बात आजकल, जलन होना, तो भाई इनो पी लिया, एंटासिड पी लिया, वो गलत है। अगर आप एसिड की प्रोडक्शन को डाउन कर दोगे तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यू रिमेंबर दिस थिंग उमेर, बताया था ना, people who regularly take antacids, people who regularly take antacids, they are more prone, more susceptible to टाइफॉइड. याद रहेगा, मान लो assertion रीजन में ये क्वेश्चन आ जाए, assertion is this, people who regularly take antacids are more susceptible to typhoid, this is the assertion, और इसका रीजन ये दे दिया जाए HCl of stomach is a potent killer of typhoid bacteria. तो दोनों बातें सही हैं, assertion और रीजन दोनों सही हैं, and reason is the correct explanation for assertion. तो आंसर क्या आ जाएगा? 1. वर्षा क्लियर होगी ये बात टाइफॉइड को लेकर के. वेरी गुड जी. नाउ ये देखो जी मोड ऑफ ट्रांसमिशन. टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाई, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. इसके अलावा जो मक्खियां हैं, जैसे एक भोजन पे बैठी, उड़ करके फिर वो दूसरे के खाने पे चली गई, है ना, सो उनके ज़रिए भी ये फैल सकता है. इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, दे कैन बी कैरियर्स ऑफ साल्मोनेला. मैरी मेलन के बारे में बताएंगे दीपक गौतम, बिल्कुल बताएंगे, शांत रहिए. सुनिए कैसे पैथोजन शरीर में पहुंचा. इंडिविजुअल कंज्यूम्स वाटर या फूड विच इज कंटेमिनेटेड विद द पैथोजन, जिसमें टाइफाइड का पैथोजन प्रेजेंट है. इट इज गोइंग टू एंटर इनटू योर स्टमक, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मारता है. मान लो अगर वो बच गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे नहीं मार पाया, देन अलॉन्ग विद द फूड बैक्टीरिया गोज टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपके ब्लड में चला जाएगा, राइट, एंड देन इट विल माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स. अब टाइफाइड हो जाने पे लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? देखो जी, टाइफाइड के केस में फीवर तो होता ही है ना, बड़ा तेज़ बुखार चढ़ जाता है, थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, फैटीग हो जाता है पेशेंट. इसके अलावा एक्सट्रीम केसेस में इंटेस्टाइन में छेद भी हो सकते हैं, परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन, तो जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और परेशानी बढ़ सकती है. स्टमक अपसेट हो जाता है. स्टमक अपसेट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई कभी लूज मोशन हो गए और कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल पेन, आपको पेट वाले हिस्से में पेशेंट कहेगा बड़ी दर्द हो रही है, सो वी से दैट एब्डोमिनल पेन हो सकता है. इंटेस्टिनल परफोरेशन के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है. तो पेशेंट आपके पास आता है इन सिम्टम्स के साथ, तो आप कौन सा सोनाली आईबीएस का हिस्सा लेना देना नहीं है, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डू नॉट रिलेटेड विद दैट नाउ, ठीक है जी, वो एक अलग बीमारी है. आप कौन सा टेस्ट लिख के देंगे पेशेंट को कि भाई हमें डाउट हो रहा है, आप ये टेस्ट करा लीजिए. साक्षी ने सही कहा कि सर विडाल टेस्ट जो है वो हम बताते हैं पेशेंट को. बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल जी, विडाल टेस्ट जो है वो कराएंगे. विडाल का रिजल्ट आने में ना थोड़े दिन लग जाते हैं, तो हमारे पास और भी हैं, टाइफाई, पैराटाइफाई ए टाइप टेस्ट है ना, वो भी करा लेते हैं. सो दे आर अदर टेस्ट ऑल्सो. एनसीईआरटी ने विडाल टेस्ट मेंशन किया हुआ है, तो आप ध्यान रख लेना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, विडाल टेस्ट. अब आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट कहेगा मन नहीं कर रहा खाने का, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो सकती है उसे, राइट, स्टमक में पेन, वीकनेस, हेडेक, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड इवन डेथ कैन अकर इन सीवियर केसेस. हर केस में नहीं, टाइफाइड का इलाज है पूरा, दवाई चलती है काफ़ी दिन तक, टाइम लग जाता है ठीक होने में. और टाइफाइड में ना रिलैप्स इज ऑल्सो कॉमन. रिलैप्स का मतलब समझते हैं आप? रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब क्या है पवन? टाइफाइड में रिलैप्स इज कॉमन, मतलब एक बार होके हटा, आपको लगा आप ठीक हो गए और फिर वो दोबारा हो गया, दैट इज रिलैप्स, दोबारा हो जाना, रीअकरेंस. अनसुद्दीन क्लियर है जी, राइट, चलो वेरी गुड. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ. टाइफाइड मैरी नाम की एक लेडी थी, मैरी मेलन उनका नाम था. मेडिकल हिस्ट्री में एक बड़ा ही क्लासिकल केस है, इन्हें टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया. क्यों? मैरी जो थी वो ना कुक थी, वो डोमेस्टिक हेल्प, मतलब लोगों के घरों में खाना पकाना, इन सब चीज़ों का काम करती थी. तो होता क्या था कि जहाँ भी कहीं खाना पका करके खिलाया उसने, वहाँ के घरों में टाइफाइड हो गया और लोग मरे. कितने लोग मरे उनके कारण, 51 people contracted टाइफॉइड फ्रॉम हर. अच्छा, शी वॉज अ कैरियर फॉर टाइफॉइड. अब ये जेनेटिक्स वाला कैरियर मत समझना, राइट? उसमें क्या था, खुद में टाइफॉइड के लक्षण नहीं थे उनमें, खुद में टाइफॉइड के लक्षण जो है वो नहीं थे, परंतु उनके द्वारा पकाया गया भोजन जो भी कोई खाता था उसे टाइफॉइड हो जाता. दिल्ली में काफ़ी ठंड है इसलिए मैंने शॉल भी रखा हुआ है अपने पास. तो उनके द्वारा पकाया हुआ खाना जो भी कोई खाता था उसे टाइफॉइड हो जाता था. एक घर छोड़ा, दूसरा घर पकड़ा, कई घरों में उन्होंने काम किया. तो फिर ना ये बात पता चल गई कि जिस भी घर में ये लेडी काम करती है ये टाइफाइड फैला देती है. तो उनको मना कर दिया गया कि अब तुमने एज अ कुक किसी के घर काम नहीं करना, तुम्हारे कारण इतनी जाने जा चुकी हैं. उसके ना गॉल ब्लैडर में इसका पैथोजन प्रेजेंट था. उसे खुद में लक्षण नहीं होते थे, बट जब वो खांसना, छींकना, अपने हाथों से खाना बनाना, तो सबको टाइफाइड जो है वो फैलाई जा रही थी. चलिए जी, इनके ऊपर रोक लगा दी गई कि तुमने कुक की तरह काम नहीं करना, पर वो भेस बदल बदल के फिर भी ये काम करती रही और कई लोगों को उसने फिर मार डाला. तो अब हुआ क्या कि उनको पकड़ करके एक आइसोलेटेड आइलैंड पे भेज दिया था कि तुम यहीं रहोगी, तुम नॉर्मल लोगों के संपर्क में नहीं आओगी. उनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आई और उन्होंने फिर वो काम कंटिन्यू रखा. ठीक है जी, हाँ, बकार कह रहे हैं क्वारंटाइन कर दिया था उन्हें. चलिए, टाइफाइड कैन बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट. सो दिस टेस्ट नेम यू हैव टू रिमेंबर. टाइफाइड क्योरेबल है, इलाज है, आपको ओरल रिहाइड्रेशन भी देना पड़ता है और एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ देनी पड़ती हैं. पेशेंट को कहते हैं कि भैया तुम पानी का लेवल ठीक रखो. मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी घर में कभी भी कोई बीमार हो ना, एक बेसिक बात ज़रूर आप सलाह दे सकते हैं. नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है, अमृत माना गया ऐसे. कोकोनट वाटर जो है वो ज़रूर लेते रहना चाहिए जब भी शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा हो, आपको फीवर हो, आप तब भी कोकोनट वाटर जो है ज़रूर लीजिए. ठीक है इरम, इज़ इट क्लियर, राइट? चलो जी, वंडरफुल. नाउ आपको टाइफाइड ना हो इसलिए क्या ध्यान रखने वाली बातें, पानी गंदा कहीं से ना पिएं. जैसे कई बार हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं तो हम कह देते हैं, हाँ भाई, वो आपसे पूछते हैं आप मिनरल वाटर लेंगे या रेगुलर वाटर लेंगे. तो आप कोशिश करिए अगर आप मिनरल वाटर लें जब घर से बाहर हों, बॉटल्ड वाटर जो होता है, ताकि हमें इतना तो श्योरिटी हो कि भैया पानी गंदा नहीं होगा. सो डू नॉट ईट रॉ एग्स और रॉ मीट. मैंने देखा है बहुत से लोग जो है वो कच्चा अंडा भी खाते हैं. आपने देखा है जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, इवन आई हैव सीन सम पीपल इन दिल्ली आल्सो, अंडा लिया, तोड़ा, कच्चा अंडा मुंह में डाला और निगल गए उसे और दूध पी लिया साथ में. दिस इज़ वेरी डेंजरस. व्हाई? मुर्गी का जो अंडा होता है ना, अंडे के शेल के ऊपर हज़ारों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज वो अंडा कहाँ से पास आउट हुआ है, मुर्गी की एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका से. उसके ऊपर मुर्गी का एक्सक्रीटा, समझ रहे हैं आप, वो भी लगा हुआ होगा. तो अगर आप अंडा ऐसे ही खा जाते हैं कच्चा तोड़ के, अंडे के छिलके के साथ पैथोजन जो है वो आपके अंदर चले जाएंगे और कई भयंकर बीमारियां वो कर सकते हैं. तो कभी भी कच्चा अंडा जो है आपको नहीं खाना चाहिए, बॉयल करके खाइए उसे. जब आप बॉयल कर देंगे तो बैक्टीरिया मर जाते हैं. ठीक है जी. डू नॉट ईट रॉ एग्स और रॉ मीट. कच्चा मांस सैंडविच में लगा के खा लिया, बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ खाते हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. डू नॉट ईट अनपास्चराइज्ड मिल्क. अब यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा, गांव देहात में अक्सर होता है कि भाई घर में गाय या भैंसें पाली हुई हैं, उनका दूध निकाला और कच्चा दूध, जिसे लोग कहते हैं भैया हम तो कच्चा दूध पियेंगे, बड़ा मज़ा आता है ना. दिस इज़ अगेन अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस. आपको पता होगा आज से बहुत साल पहले टीबी वगैरह के केसेस, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत ज़्यादा हुआ करते थे गांव देहात में. आपने अपने घर में अपनी दादी से, नानी से कहानियाँ भी सुनी होंगी कि भाई कई कितने पूर्वजों की जो डेथ है वो जो है इसके कारण हो गई, टीबी के कारण. होता क्या है, जो गाय भैंसें होती हैं ना, इनके दूध में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के पैथोजन्स होते हैं, इसलिए मिल्क को पास्चराइज करके ज़रूर जो है पीना चाहिए. बाज़ार से जो आप अमूल का या मदर डेयरी का जैसा भी मिल्क लेते हैं ना, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है. पास्चराइजेशन प्रक्रिया आपको पता होगी. घर में भी अगर गाय भैंसें आपने पाली हुई हैं, उनका दूध निकाल के पहले उबाला दिलवाते हैं ना, दूध को बॉयल करते हैं ना, अच्छे से दूध उबाल लिया, बिल्कुल उबाल के फिर हम उसे ठंडा करते हैं, फ्रिज में भी रख देते हैं, उसके बाद जो है आप उसे पिए. दीपक गौतम ध्यान रखिएगा जी, कभी भी आपको देखो. सोहेब जहन कह रहे हैं फिर काफ को क्यों नहीं होता, हर बीमारी हर जानवर को नहीं होती. गाय भैंस के दूध में जो पैथोजन है, काफ की इम्यूनिटी भी उस तरह से है कि वो उसको नहीं कुछ बिगाड़ सकती. आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. आपको पता है जूनोसिस क्या होता है, जब जानवरों की बीमारियां इंसानों में आने लग जाती हैं. ठीक है, इज इट क्लियर, राइट? वंडरफुल जी. इतने सारे बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं यार, उतने लाइक्स नहीं दिख रहे मुझे साथ साथ, प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको फील नहीं हो रहा है कि आप एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की। ग्रेट। हर पैथोजन स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, आसानी से ऐसा नहीं होता कि जानवरों की बीमारियां इंसानों को हो जाएं, बट कई केसेस में ऐसा होता है जिसे हम जूनोसिस कहते हैं। आपने कोविड के बारे में भी पढ़ा होगा कि भाई जानवरों से किसी तरह से इंसान में आ गया है वो, दैट इज जूनोसिस, दी डिजीजेज विच अफेक्ट एनिमल्स व्हेन दोज डिजीजेज हैपन इन ह्यूमंस ऑल्सो, तो हम उसे जूनोसिस कहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। टाइफाइड के बारे में एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, प्लीज फील फ्री टू आस्क। टाइफाइड में कुछ भी पूछना चाहे। नो सर, एकता कह रही है कोई सवाल नहीं है। वंडरफुल, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेज में नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, इसमें लंग्स प्रभावित होते हैं, आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगर दोनों लंग्स अफेक्ट हुए, इफ बोथ द लंग्स आर अफेक्टेड, वी कॉल इट एज डबल न्यूमोनिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिए एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe, दोनों ही हैं जो कि न्यूमोनिया कर सकते हैं। प्रतीक क्लियर है मेरे बच्चे? नो, कैसे फैलता है न्यूमोनिया? आपके पास न्यूमोनिया वाला पेशेंट है, वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, तो जो ड्रॉपलेट्स वो रिलीज कर रहा है बाय When the person is coughing, sneezing या speaking, तो उससे निमोनिया होगा। इसके अलावा by sharing utensils like glass with the patient, पेशेंट के बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, पेशेंट के कपड़े या जिन भी चीज़ों के संपर्क में पेशेंट आ रहा है, मान लो मोबाइल फ़ोन है, पेशेंट अपना निमोनिया वाला पेशेंट अपने मोबाइल से बात कर रहा है, आपने वो मोबाइल लेके इतना करीब ला के बात करी है ना, तो आपको हो सकता है ना। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तो यही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मेनली। पैथोजन क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स दी एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जिसके कारण ना लंग्स में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs इन द एल्वियोलाई, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड WBCs एंड फ्लूइड इन एल्वियोलाई, जिसके कारण देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस फूलने लगेगी, देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना। अब मान लो ये एल्वियोलाई है भाई, एल्वियोलाई के सामने ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, एल्वियोलाई के ज़रिए ही तो जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड तक जाती है। तो अगर एल्वियोलाई में फ्लूइड बिल्डअप हो गया हुआ है, प्रॉपरली ऑक्सीजन डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। अब अगर ये सिचुएशन ज़्यादा बनी रही, ज़्यादा लंबे समय तक, तो भाई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। साइनोसिस भी हो जाता है। साइनोसिस समझते हैं? साइनोसिस का मतलब होता है कि जो उसके लिप्स हैं नीले पड़ जाएंगे, लिप्स नेल्स टर्न ब्लूइश, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन जो है पेरिफेरल टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पा रही। बुखार चढ़ता है, इसमें ठंड भी लगती है, कांपता है पेशेंट, खांसी होती है, सिर दर्द होती है, थकावट होती है बुरी तरह से। दैट इज़ व्हाट इज़ न्यूमोनिया, राइट? क्लियर है? ठीक है ना। एक चीज़ और, तो हम पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे। जब पेशेंट का एक्सरे हम करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई निमोनिया है, और उसके अलावा बाकी सिम्टम्स जो है वो तो आपको दिख ही रहे हैं। तो क्या निमोनिया क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है, निमोनिया का इलाज है, बिल्कुल है। कल्पेश मोरे पूछ रहे हैं, इन कोरोना पीरियड व्हाई कोरोना पॉजिटिव पर्सन मोस्ट चांस टू कॉज निमोनिया। आपने कल्पेश, आप हिंदी मीडियम से हैं, आपने पूरी तरह से ग्रामेटिकली पैरालाइज्ड सेंटेंस लिखा है जिसका कोई मतलब नहीं बन पा रहा। आप हिंदी में लिख के भेज दीजिए, आपके दिल की भावना मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन गुजारिश भी करूंगा अंग्रेज़ी सुधारिए। डॉक्टर बनने जा रहे हो कल को, इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी की किताबें पढ़नी है, अगर इतनी पैथेटिक इंग्लिश होगी तो आपके लिए बड़ा ही बुरा होगा। जो भाषा नहीं आती उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, और कोई गर्व भी एक्स्ट्रा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें केवल हिंदी आती है। केवल हिंदी आने में कोई गर्व की बात नहीं है, हिंदी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी ना आना ज़रूर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात हो जाएगी आपके लिए। भाषाएं तो जितनी भी इंसान सीखे मैं कहूँगा उतनी ही कम है। 3 भाषाओं का ज्ञान तो हर इंसान को होना ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं, एक हिंदी, एक अंग्रेज़ी और एक अपनी रीजनल लैंग्वेज। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, अगर आप बंगाल से हैं तो बंगाली आनी चाहिए, लिखनी और बोलनी दोनों ही। इज़ इट क्लियर? क्या आप सहमत हैं मेरी इस बात से? Do you all agree with me why we should all know English language? Because it's a language of universal communication. America, Britain, Australia में कहीं कोई रिसर्च हो रही है तो मुझे कैसे पता चलेगी, है ना? And I am पंजाबी, तो मुझे पंजाबी लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, बोलनी भी आती है। इसके अलावा हिंदी लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। बिल्कुल। और जिन लोगों को जो इतनी मतलब जो अंग्रेज़ी इतनी दुर्दशा में लिखते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है उस चीज़ को देख करके कि कल को डॉक्टर कैसे बनेंगे आप, है ना? बड़ी बुरी बात है ये तो। राइट, सार्थक कोई बात नहीं। आप अगर बिहार से हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ज़रूरी है। एग्रीड, है ना? चलो गुड। आयुष्मान सर, हाउ कैन इट बी आइडेंटिफाइड बाय एक्सरे? आयुष्मान, वो आप नहीं समझ पाएंगे, एक रेडियोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर समझ सकते हैं। एक क्लियर एक्सरे कैसा नज़र आता है और एक एक्सरे जहाँ पे फ्लूइड भर जाता है, पैचेस बन जाते हैं निमोनिया के, वो कैसा नज़र आता है। सो ये डॉक्टर बेहतर तरीके से समझ सकता है। हाँ जी वर्षा, आप लखनऊ से हो तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू प्रतीक बेटा। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम सादी भाषा में ना टीबी भी कह देते हैं। ओके, टीबी मुख्य रूप से 2 तरह का होता है मेरे बच्चे। एक होता है पल्मोनरी टीबी। दिस पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, सो पल्मोनरी टीबी इफेक्ट्स लंग्स। दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। समझे आप? आपने जर्नली जो सुना होगा कि भाई उससे टीबी है, उसके लंग्स प्रभावित हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। टीबी का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस की जो फेवरेट साइट है बैक्टीरिया की दैट इज लंग्स। वो कहता है इंसान के शरीर में जाके मुझे लंग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये किसी और ऑर्गन में भी जा सकता है। टीबी यूट्रस का हो सकता है फीमेल्स में, टीबी फैलोपियन ट्यूब्स का हो सकता है, मेल्स में टेस्टिस का टीबी हो सकता है, बहुत से, और आंखों का टीबी, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी, हड्डियों का टीबी, इंटेस्टाइन का टीबी। सो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है इसका मतलब है लंग्स के अलावा किसी भी और टिश्यू का। से एग्जांपल यूट्राइन टीबी। यूट्राइन टीबी इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। पल्मोनरी टीबी वो है जो लंग्स को प्रभावित करता है। क्या टीबी क्योरेबल है? बिल्कुल है। टीबी का इलाज है? बिल्कुल है। सबके लिए मेरी गुड विशेस हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए। चैट पे जो लिख रहे हैं कि उन्हीं के लिए मैं दुआ करूं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, सबका हो। तुम्हारा स्पेशली नहीं मैं कुछ कहूँगा, फॉर ऑल ऑफ यू माई गुड विशेस आर विद ऑल ऑफ यू। जो पढ़ेगा वो जीतेगा, बिल्कुल। अच्छा, टीबी के बारे में और बातें। टीबी इज़ क्योरेबल, टीबी का इलाज है। दवाइयाँ जो हैं वो बहुत लंबी चलती हैं। आपने भी पढ़ा होगा सरकारी अस्पतालों के बाहर होर्डिंग्स भी लगे होते थे, टीबी के लिए डॉट्स अपनाएं। डॉट्स एक स्ट्रैटेजी है डिज़ाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी की दवाइयाँ 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक भी चल सकती हैं। तो जब टीबी की दवाई हम देते हैं पेशेंट को तो हम उसे ये बात बोल देते हैं कि भाई आपको दवाई बीच में नहीं छोड़नी है। अगर दवाइयाँ जो हमने लिख के दी हैं आपको लंबे समय तक खानी ही पड़ेंगी। अगर दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, फिर वो पैथोजन जो है उस ड्रग से नहीं मरता है। ये बड़ी चीज़ मुश्किल हो जाती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को फिर दोबारा उसका इलाज कर पाना। टीबी के पल्मोनरी टीबी के लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी इंसान में लंग्स का टीबी है तो उसके लक्षण क्या हैं? पल्मोनरी टीबी के केस में एक तो लगातार खांसी बनी रहती है, परसिस्टेंट कफ। तो कहते हैं ना, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं खांसी को, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं खांसी को, तो आपको टीबी के लिए टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। क्लियर है जी? राइट? अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं खांसी को तो टीबी के लिए टेस्ट करा लेना चाहिए। टीबी वाले पेशेंट में लो ग्रेड फीवर भी बना रहता है, हल्का बुखार बना रहेगा, खांसते समय ब्लड आ सकता है, थूकते समय ब्लड विद स्पूटम, मतलब जब पेशेंट थूक फेंके तो उसमें खून हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ये सारे लक्षण हो, लेकिन इनमें से कुछ लक्षण हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। आयुष्मान कह रहे हैं सर डॉट्स की फुल फॉर्म डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। छाती में दर्द हो सकता है, बिल्कुल सही कहा जी। फैटीग्ड पेशेंट थका हुआ महसूस करेगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट हो जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, लॉस ऑफ मसल मास, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये लक्षण है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा गांव देहात में टीबी बहुत होता है। गांव देहात में क्या हो जाता है, एक तो वो कच्चा दूध पीने वाली बड़ी गलत बात है गाय भैंसों का, बिना उसको बॉयल करके पीना। दूसरा, जैसे गांव देहात में हुक्का कल्चर बड़ा है ना, गाँव के जो बूढ़े बड़े लोग हैं चौपाल लगा के बैठे और हुक्का ले लिया, एक जना हुक्का पी रहा है, वही पाइप दूसरे को पकड़ा रहे हैं, वही तीसरे को, वही चौथे को। दिस इज़ वेरी डेंजरस। एक को अगर कोई बीमारी है, उसके मुँह के ज़रिए, उस पाइप के ज़रिए सब तक वो बीमारी फैलेगी। समझे आप बात? इज इट क्लियर? हुक्का पीना जो है बड़ा खतरनाक है, इवन मोर डेंजरस देन सिगरेट या बीड़ी, बिकॉज सिगरेट एंड बीड़ी तो एक इंसान की अपनी है, इंडिविजुअल खुद पी और फेंक दी, और उनमें फिर भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोबैको है। हुक्के में तो इतना तंबाकू है, आप कितना ज़्यादा वो इनहेल करते जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। सो हुक्का इज़ मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू सिगरेट और बीड़ी और सिगार। इज इट क्लियर? राइट सोनाली, सही कहा मैंने? राइट हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो उज्जवल। आजकल तो शहरों में भी हुक्का कल्चर आ चुका हुआ है, हुक्का बार्स बन गए हैं। हाँ है तो दुख भरी बात। अब ये भी है, लोग बीमार नहीं होंगे तो तुम्हारे डॉक्टर बनने का फायदा क्या होगा? है ना, अल्टीमेटली तो आप जब डॉक्टर बन जाएं, आप ये चाहेंगे ना पेशेंट्स आपके पास आएँ। अगर सारी दुनिया हेल्दी हो जाएगी आपकी एडवाइस लेकर के, तो फिर आपके इस करियर का, आपके इस प्रोफेशन का फ़ायदा ही क्या होगा? सही कहा ना मैंने प्रतीक, सोनाली? सारी दुनिया को उपदेश दे दो, सब सही हो जाए, सब सेहतमंद हो जाए, तो डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। और डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें पढ़ाई क्यों रहे हैं ये चीज़? है ना इंटरेस्टिंग बात। चलो जी, ऑल माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटियाँ। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कोई मुझे बता सकता है? जैसे आपने मुझे टाइफाइड के लिए टेस्ट बताया है, कैन समवन टेल मी द टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस? मॉन्टक्स, बिल्कुल सही कहा है उत्कर्ष ने, मॉन्टक्स टेस्ट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट आप याद रखिएगा, इट इज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोई मुझे बता सकता है कि डिप्थीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? डिप्थीरिया इन हिंदी इज कॉल्ड गलघोंटू। डिप्थीरिया इन हिंदी इज कॉल्ड गलघोंटू। सार्थक, तुमने मॉन्टक्स के स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखे हैं। गलघोंटू क्यों कहते हैं? अब डिप्थीरिया जो है बड़ी ही भयानक बीमारी है। इट इज 100% फेटल। फेटल मतलब मृत्यु कारक। अगर डिप्थीरिया हो गया और विद इन 48 आवर्स एंटी डिप्थीरिया सीरम नहीं दिया गया पेशेंट को, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। डिप्थीरिया बच्चों में होता है जनरली, छोटों में। आपने ये भी सुना होगा डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन भी तो लगती हैं। डीपीटी वैक्सीन हमें बचपन में लगती है ना, दैट इज व्हाट दैट्स कॉल्ड डिप्थीरिया पर्टूसिस एंड टेटनस। डीपीटी वैक्सीन 100% फेटल है डिप्थीरिया। नाउ इसमें होता क्या है, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है ना, it results in formation of, there is formation of a pseudo membrane. Pseudo मतलब false, pseudo membrane in throat. गले में ऐसे deposits बन जाते हैं, एक membrane बन जाती है, and there is difficulty in breathing. There is difficulty in swallowing and the patient will die within 48 hours अगर जो है उसका इलाज नहीं किया गया। एंटी डिप्थीरिया सीरम होता है ADS, जो कि इम्यूनिटी देता है। ADS और हर जगह ये उपलब्ध नहीं होता हॉस्पिटल्स में। एंटी डिप्थीरिया सीरम must be given within 48 hours ADSA एंटी डिप्थीरिया सीरम। बकार ने सही कहा कि सर ये एक तरह से आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी दे रहा है। बिल्कुल, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज जो हैं वो शरीर में पहुंचा दी जाती हैं, वो एंटीबॉडीज जाके फटाफट पैथोजन से फाइट करती हैं और उसे मार डालती हैं। तो बड़ा भयानक बीमारी होती है ये डिप्थीरिया। इज दैट क्लियर जी? डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन कौन सा है बोलेंगे, वैक्सीन का नाम बोलेंगे। वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया इज DPT। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर DPT? हाँ जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर DPT? डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस। ये वैक्सीन है, बचपन में आपको लगी हुई है सबको वैक्सीन, डिप्थीरिया परटूसिस एंड टेटनस। परटूसिस क्या है? वूपिंग कफ, काली खांसी। बॉर्डीटेला परटूसिस है कॉजेटिव एजेंट जो करता है वो, है ना। ये देखो जी, मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर डिप्थीरिया, ये आपके सामने लिखा हुआ है। DPT वैक्सीन बच्चों को लगना है, ओरल पोलियो वैक्सीन लगना है। सो दिस DPT वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनस वैक्सीन। व्हाट इज दिस परटूसिस? काली खांसी, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं इसको। वूपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है पेशेंट जब खांसता है तो। सो दिस इज वूपिंग कफ, परटूसिस इज वूपिंग कफ, राइट। बॉर्डीटेला परटूसिस है कॉजेटिव एजेंट इसका। क्लियर है इशिका? इस बात का भी मेरे पास टाइम नहीं है जो तुम फालतू का सवाल पूछ रही हो। आई एम जस्ट इग्नोरिंग यू। इफ यू वांट टू स्टडी वट एवर आई एम टीचिंग गो अहेड, अदरवाइज चिल, राइट। ओके, सो वूपिंग कफ इज व्हाट इज परटूसिस एंड बॉर्डीटेला परटूसिस जो है कॉजेटिव एजेंट है। इट इन्फेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें लंग्स जो है वो इफेक्ट नहीं होते। परटूसिस किसी भी एज में हो सकता है, छोटों में, बड़ों में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट जी। गल घोंटू जो है आशुतोष, दैट इज डिप्थीरिया, थोड़ी देर पहले जो पढ़ा, वो छोटे बच्चों में होता है। दिमाग के कपाट खुल गए, बिल्कुल बिल्कुल। जिस किसी को भी खुलवाने दिमाग के कपाट अपने, बंद जो मैल जमी हुई है दिमाग पे वो हटवानी है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। उज्जवल BCG वैक्सीन होता है, बैसिलस कालमिट ग्यूरिन। BCG वैक्सीन TB के लिए, हाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं TB के लिए वैक्सीन कौन सा बचपन में लगा है आपको? ये आपको BCG लगा, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्लियर है जी, राइट। हाँ, बहुत सी बीमारियां जो जानवरों में भी होती हैं, उनमें से थोड़े अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट इज व्हाट? प्लेग। बहुत ही भयंकर बीमारी, बहुत ही भयंकर, प्लेग, राइट जी। नो, प्लेग जो है इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, काली मौत। प्लेग इज ब्लैक डेथ। एक समय था जब यूरोप की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, ये देखो ये MG लाइव आ गए। MG लाइव, क्या बात है भाई, वाह। MG लाइव कह रहे हैं, TB का फुल फॉर्म बताओ। MG लाइव एंट्री लेट मारी है, अगर थोड़ा देर पहले आए होते तो सवाल पूछ के बेवकूफ़ी शो ना करते। बता चुके हैं TB की फुल फॉर्म बहुत पहले ही आपको। चलिए जी, लेक्चर आप दोबारा देख लीजिएगा। ये देखो मेरे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, TB इज ट्यूबरक्लोसिस। तुम सो रहे थे अभी तक। प्लेग ब्लैक डेथ, एक समय था जब यूरोप की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेग के कारण ख़त्म हो गई होगी। उज्जवल आपने शायद सुना भी होगा, इंडिया में भी कई बार प्लेग के जो है एपिडेमिक्स फैले हैं। गुजरात में भी हुआ था प्लेग कुछ समय पहले। प्लेग का कॉजेटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्ट्रिस। यर्सीनिया पेस्ट्रिस जो है उसे पास्चुरेला पेस्टिस भी कहा जाता है। आयुष्मान, DPT वैक्सीन में एंटी डिप्थीरिया सीरम नहीं होता। वैक्सीन और सीरम कंसेप्ट ही अलग है। वैक्सीन तो आपको एक्टिव इम्यूनिटी देगी, है ना, आपके शरीर में वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन डाला जाए ताकि आप खुद इम्यूनिटी बनाओ। और पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि एंटी डिप्थीरिया सीरम, बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में डाल दो। दोनों में आयुष्मान जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। यर्सीनिया पेस्टिस को पास्चुरेला पेस्टिस भी कहा जाता था। प्लेग इज अ डिजीज ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट समझते हैं आप, चूहे और उनके जो साथी हैं। प्लेग इज अ डिजीज ऑफ रोडेंट्स। इट इज अ नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स। कहीं पे भाई बहुत ज्यादा जो है, चट्टोपाध्याय जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं सेंसलेस हैं, मैंने पहले भी इग्नोर करें, अब भी इग्नोर होंगे, है ना, बिकॉज तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं तुमने सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, या तो तुम 12th क्लास के स्टूडेंट ही नहीं हो, 5-7 साल ड्रॉपर हो, या BSc नर्सिंग के हो। आपके सवाल भेजने से ना एक टीचर को आराम से पता चल जाता है जो तुम लिख लिख के भेज रहे हो। क्लियर? अपना भी समय वेस्ट मत करो और दूसरों का भी। एपिडेमिक और पैंडेमिक का अंतर आराम से किसी को भी पता होगी, है ना। जो तुम पूछ रहे हो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, एंडेमिक है, एवरीवन नोज दिस थिंग। नहीं पता तो क्लास के एंड तक बने रहो, पता चल जाएगा। इट इज अ नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स। जितने भी ओवर स्मार्ट बच्चे आएंगे वो इसी तरह से मुझसे एंटीबायोटिक का डोज लेकर के जाएंगे। इट इज नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग। पता नहीं बच्चे ना मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये समझते हैं कि जो टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, पता नहीं उसे बड़ा लिमिटेड सा आता होगा जो स्क्रीन पे लिखा है, तो कीबोर्ड पे कुछ भी लिख 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 के भेजो, नॉलेज चेक करो आता है मास्टर जी को कि नहीं आता। अगर तुम लोगों को खुद को इतना ही आता होता तो बच्चे कुछ तो ज़िंदगी में बन गए होते ना आप अभी ना, तो आप ड्रॉपर तो नहीं खिलाते फिर, है ना सही बात मेरी। इट इज़ नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ रैट्स। चूहों की जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रकृति का ये अपना तरीका है। अब होता क्या है कि हम जो ह्यूमंस हैं ना, ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय चांस। ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय चांस। आप खुशी कह रही है बेस्ट आंसर, बिल्कुल खुशी। मैं तो शुगर कोटेड कोई भी मीठी मीठी बातें नहीं कर सकता, है ना। हाँ अनुष्का, जो लोग आपसे हमेशा ज़्यादा शुगर कोटेड बातें करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि फिर वो किस तरह के हो सकते हैं। सच कहो और सुखी रहो। कड़वा जो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी स्लैप्ड विद ट्रूथ रादर देन टू बी किस्ड विद लाई। समझ आइए बात, दोबारा बोलूँ मैं, इट इज़ बेटर टू बी स्लैप्ड विद ट्रूथ रादर देन टू बी किस्ड विद लाई। सही बात कही मैंने, ग्रेट। चलो इसी बात पे हम लोग चाय पीते हैं, आप भी अगर चाय पीना चाहें तो पी सकते हैं जी। और जब भी कोई मेरी बात आपके दिल को छुए लाइक ज़रूर करना। अब सुनो प्लेग की कहानी सुनो। प्लेग का जो कॉजिटिव एजेंट है वो तो है यर्सीनिया पेस्टिस, प्रतीक गीता, लेकिन प्लेग को फैलाता कौन है? रैट फ्ली सुना आपने? रैट फ्ली ना, ज़ेनोप्सेलाचियोपिस रैट फ्ली है। फ्ली आर्थ्रोपोड्स हैं। ज़ेनोप्सेला Chiopis. It spreads plague. ये जो फ्ली है ना गिरिजा शंकर, सुनो, ये चूहों का खून चूसता है। रैट फ्ली सक्स ब्लड ऑफ रैट्स, है ना। एक वाइल्ड रैट होता है मोहम्मद साकिब, टटेरा इंडिका, वाइल्ड रैट इज द रिजर्वायर। अगर ये फ्ली एक ऐसे चूहे को काटता है जिसके शरीर में ये प्लेग का पैथोजन है, और उसके बाद ये फ्लिया इंसानों को काट जाता है बाय चांस एक्सीडेंटली, तो प्लेग का पैथोजन ये हमारे शरीर में पहुंचा देगा। ये फ्ली जो है ना ये बहुत ज़्यादा उछल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तो इसीलिए कहा जाता है आयुष्मान कि जब भी कभी प्लेग फैला हो तो आपको ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए, ऊंचाई पे सोना चाहिए, बिकॉज ये फ्ली जो है वो ज़मीन पर हल्का हल्का उछलता है कुछ सेंटीमीटर तक। अगर आप ऊँची खाट पर, चारपाई पे, बेड पर लेटे होंगे तो ये आपको जो है अभी बेटा नहीं काट पाएगा। रेड फ्ली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब प्लेग अगर हो जाता है तो भाई ये 100% फेटल है, बच पाना मुश्किल है। प्लेग इज 100% फेटल। जैसे मैंने डिप्थीरिया बताया था 100% फेटल, रेबीज है वो फेटल हो जाता है ना। नो, प्लेग भी कई तरह का है। लंग्स को प्रभावित कर सकता है, वी कॉल इट न्यूमोनिक प्लेग। प्लेग जो है वो ब्यूबॉनिक प्लेग भी होता है। सेप्टिसिमिक प्लेग ब्लड पॉइजनिंग कर देता है, ठीक है। सो प्लेग कई तरह का है। इज इट क्लियर? इंडिया में प्लेग के क्या क्या एपिसोड्स हुए हैं आप देख सकते हैं। हांगकांग से इंडिया पहुंचा था प्लेग एक शिप्स के जरिए, चूहे जो आ गए थे वहां से। मीर इस्लाम कह रहे हैं गुरुजी आप बहुत अच्छा हो, अल्लाह आपको खुश रखे। गुरुजी आप बहुत अच्छा हो, अल्लाह को, आप सबको अल्लाह मियाँ खुश रखें, आपको एक वर्ल्ड फेमस बेहतरीन डॉक्टर बनाए। पढ़ाई पे जरूर फोकस कीजिए साथ साथ। चलो बढ़ूं आगे में, प्लेग से आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके लिए ये सवाल, मैच द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीजेस कॉलम 1 विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलो हम यहीं के ही मैच करते हैं साथ के साथ। ए किसके साथ होगा? प्लेग। किसके साथ होगा? प्लेग होगा यर्सीनिया पेस्टिस के साथ, इसके साथ। निमोनिया को कर देता हूं हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के साथ। टाइफाइड को करता हूँ साल्मोनेला टाइफाई, ट्यूबरकुलोसिस को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। है ना इजी, आसान था क्वेश्चन, कर लिया सबने। चलो ये लो, सही आंसर भी आ गया। तो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से आया, देखो ऐसे था ना पहले, जादू करूं, वेरी इजी, इजी एंड गुड क्वेश्चन, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ें, मजा आ रहा है, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना कि इंटेलेक्चुअल सी बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है और हमें पढ़ाई रिलेटेड बातें सुनने को मिल रही हैं। और बताना चाहूँ यहाँ पे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में अगर मैं आपको और कोई डिजीज़ बताना चाहूँ तो मैं टेटनस बताना चाहूँगा। जैसे प्लेग बता दिया यहाँ पे, टेटनस का कॉजिटिव एजेंट क्या होता है जी? क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। टेटनस हम कहते हैं ना भैया, जंग लगा लोहा कभी लग जाए तो आप इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए टेटनस का। चलो मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। टेटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, ये भी बड़ी भयंकर बीमारी है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी जो है ये ना एक टॉक्सिन बनाता है, दैट इज कॉल्ड टेटानोस्पैस्मिन। टेटानोस्पैस्मिन, स्पैज्म मतलब अकड़न, ऐंठन हो जाना। दिस टेटानोस्पैस्मिन टॉक्सिन, इट कॉजेज वेरी पावरफुल कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ द मसल्स। एंथ्रेक्स भी बता दूंगा मानवेंद्र, कोई बात नहीं, डोंट वरी। हाँ सुनो सुनो, आपने अक्सर सुना होगा कि भाई जब कभी आप सड़क पे खेलते हुए गिर जाएं, चोट लग जाए, जंग लगे लोहे से चोट लगे, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? सुनो, टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, इट लिव्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मेनी डोमेस्टिक एनिमल्स। हॉर्सेज की लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है। तो हॉर्स की लार्ज इंटेस्टाइन से जब एक्सक्रीटा पास आउट होती है, हॉर्स जब एक्सक्रीटा पास आउट कर देता है, उसके गोबर के साथ जो है टेटनस बैक्टीरिया के स्पोर्स भी आ जाते हैं। स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया आर हाईली रेजिस्टेंट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। 60 साल 70 साल तक भी स्पोर्स जिंदा रह सकते हैं। ठीक है जी। अब स्पोर्स तो हवा में हर समय प्रेजेंट, टेटनस के स्पोर्स, वो सिर्फ आपके शरीर में अंदर घुसने का इंतजार कर रहे हैं कि आपको कहीं कट लगे, चोट लगे और वो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाए, है ना। तो अब आपको कट चाहे किसी भी चीज से लगे, टेटनस हो सकता है। अब जंग लगे लोहे के साथ ही ये बात क्यों रिलेट हुई? बहुत पुराने जमाने में जब लड़ाइयां लड़ी जाती थीं, जब वॉर्स होती थी, तो सोल्जर्स घोड़ों पे लड़ाइयां लड़ते थे और तलवारों के साथ लड़ाइयां होती थी। बाकी भी जो उनकी वेशभूषा उसमें लोहा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जंग जब खत्म हो जाती थी, जंग के कई दिनों के बाद सीन क्या होता था कि कितने जो सोल्जर्स हैं वो मरे पड़े, उनकी लाश बिल्कुल अकड़ी पड़ी है, उनका जबड़ा अकड़ गया। टेटनस को लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है जी, वो मरे पड़े हैं और उनकी लाशें अकड़ी पड़ी हैं और आसपास जंग लगा लोहा, तलवारें हैं और घोड़ों का गोबर है। तो ये बात रिलेट हो गई कि जहां भी कहीं घोड़े की लीद होगी, एक्सक्रीटा होगा, जंग लगा लोहा होगा, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे टेटनस कहते हैं। अल्टीमेटली जो इसका लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया कि घोड़े की लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, घोड़े की लीद के साथ, एक्सक्रीटा के साथ स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जब वो एक्सक्रीटा सूखता है, हवा में उड़ता है, तो वो आपके शरीर में जा सकता है। अब सड़क पे खेलते हुए चोट लग जाए तो क्यों कहते हैं भाई? पुराने जमाने में तांगे चला करते थे, घोड़े चला करते थे सड़कों पर, और घोड़ा जहाँ चलेगा कहीं भी एक्सक्रीटा पास आउट कर देगा, लीद पास आउट कर देगा, आप गिर गए, आपका घुटना छिल गया, तो वहाँ से बैक्टीरियल स्पोर्स अंदर जा सकते हैं। तो हम कहते थे कि भाई टेटनस हो जाएगी, इंजेक्शन लगवा लो। अब आजकल तो कोई घोड़े नहीं रहे हैं ऐसे सड़कों पे, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी से तो रखना है भैया। स्पोर्ट्स क्या क्या पता हवा में उड़ते हुए कहीं से भी आ जाएं। इवन ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में जब आप ऑपरेट करते हैं पेशेंट पे, ऑपरेट करते टाइम भी हम उसे टेटनस का इंजेक्शन जरूर दे देते हैं ताकि कहीं जो है उसे प्रॉब्लम ना हो जाए। चट्टोपाध्याय जी, लॉक जॉ डिजीज टेटनस है, ये मैंने बोल दिया 4 बार, आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आपका ध्यान खुराफातों में लगा हुआ है कहीं ना कहीं, राइट। हाँ मानवेंद्र, टेटनस में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं, इतना तोड़ मरोड़, पेशेंट अपने आप अपनी ही हड्डियां तोड़ लेता है, राइट। अपनी हड्डियां पेशेंट स्वयं तोड़ लेता है और टेटनस से भी मृत्यु हो जाती है, बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो टेटनस के लिए हम एंटी टेटनस सीरम देते हैं, ATS। व्हाट डज ATS स्टैंड्स फॉर? एंटी टेटनस सीरम। ये पैसिव इम्यूनिटी देता है। एंटी टेटनस सीरम गिव्स यू पैसिव इम्यूनिटी। Then we give TT also. What is TT? TT injection होता है ना? It is tetanus toxoid. Tetanus toxoid is inactive toxin. This gives active immunity. ये आपके शरीर में खुद एंटीबॉडीज बनवाएगा. ठीक है? Is that clear? Right? Is it clear to all of you? टेटनस के बारे में समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है माइंड में, कोई क्यूरियोसिटी है तो पूछिए जल्दी से. लेप्रेसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कुष्ठ रोग कहते हैं. एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस. Anthrax is also a disease of animals. Humans, they get infected by chance. Anthrax bacteria के जो spores होते हैं वो भी highly resistant हैं. They can survive for so many years. Thank you Pratik. Anthrax का causative agent है Bacillus anthracis. Anthrax bacteria के spores जो हैं, they are highly resistant. The spores are used in biowar या bioterrorism जिसे हम कहते हैं. Use of biological agents for spreading terror. Spores जो हैं बैक्टीरिया के, मान लो आपने चिट्ठी में डाल के कहीं किसी दूसरी कंट्री में पोस्ट कर दिए, जो चिट्ठी खोलेगा वो स्पोर्स इनहेल कर जाएगा तो उसे एंथ्रेक्स हो जाएगा. ठीक है जी, राइट. आयुष्मान कह रहे हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टेरिलाइज होते हैं, ओटी में बिल्कुल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन तो लेना है ना. आपने चीरा लगाया, आपको नहीं पता हवा में क्या हो, जो डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं उनके जूते चप्पल के साथ क्या हो, कपड़ों के साथ क्या हो, उनके मोबाइल फ़ोन के साथ क्या हो. बैक्टीरिया कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है सुमित बेटा जो दिख जाएंगे, तो हमें प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना. नेक्स्ट कम्स दी वायरल डिजीजेज, डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. देखिए कितने सारे नाम हैं, इनको दिमाग में बिठाइए. इतनी सारी बीमारियाँ हैं जो वायरसेज करते हैं. कोविड, मम्स, पोलियो, रुबेला. कोविड तो अभी रिसेंट एपिसोड है तो आप सब जानते ही होंगे, ग्रेट. कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, फ्लू, मीजल्स, रेबीज. लेट्स स्टार्ट विद कॉमन कोल्ड, जुकाम जिसे हम कहते हैं. हाईली इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में बड़ी जल्दी फैलता है. राइनो वायरस जो है, राइट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. आपने कुछ छींका, खांसा तो वो दूसरे बंदे को हो जाएगा. हाथ मिलाया आपने तो फैल जाएगा दूसरे तक. या मान लीजिए पेशेंट जिसको जुकाम हो रखा है, उसने किसी दरवाजे का हैंडल खोला था और उसने हाथ से अपना ऐसे नाक भी पहुंचा था, और आपने जाके उसी दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाया, आपने अपना मुंह पे, कान पे, नाक पे लगा लिया, तो आपको हो सकता है कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड सरफेस. यही लिखा है, राइट जी. नाउ नेजल कंजेशन एंड रनिंग नोज, हम कहते हैं नाक बहे जा रहा है या बीच में बंद हो रहा है, गला भी खराब हो जाता है, बिकॉज आपका कान, नाक और गला सारा पैसेज तो रिलेटेड ही अंदर. तो होर्सनेस इन वॉइस, खांसी हो सकती है, गले में खराश होना, सर दर्द, फटीग. एंड जुकाम जो है वो थोड़े दिनों तक तो परेशान करता ही है, 3, 4, 5 दिन तक भी परेशान करेगा और फिर वो अपने आप जो है ठीक हो जाएगा. आपको कोई अलग से स्पेशल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. कॉमन कोल्ड वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विद एनी मेडिकेशंस. हाँ, ये ज़रूर हो जाता है, सर दर्द हो गया तो भाई सर दर्द के लिए कोई आप गोली ले सकते हैं अलग से. नाक बहुत ज़्यादा बंद है तो आप इनहेलर, विक्स इनहेलर्स जो हम कहते हैं, वो आप सूंघ सकते हैं. दिव्यांशु चौहान जी कैसे हैं आप, अभी तक कहाँ थे? हाँ जी. Now, spread of infection can be prevented. कैसे हम जुकाम से बचें? वैसे तो बच पाना बड़ा मुश्किल है. मास्क पहने रखिए, फिर क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए. जब आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो रुमाल जो है वो ज़रूर आगे रख लीजिएगा. अली हामिद कह रहे हैं, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ही प्रेजेज योर टीचिंग स्किल्स एंड ऑफ कोर्स यू आर माई फेवरेट टीचर. से हेलो टू योर डैड, मेरी तरफ से उन्हें नमस्कार ज़रूर कहिएगा. Now, तो जब आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो रुमाल रखिए. कुछ नहीं है तो फिर ऐसे कोहनी में ऐसे करके छींक लीजिए, ताकि एटलीस्ट दूसरों तक तो वो चीज़ ना जाए. सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, आजकल तो बहुत कॉमन हो गए हैं सैनिटाइजर्स. फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा करता है, ये भी कॉमन कोल्ड की तरह ही फैलता है. इसमें भी आपका नाक, आपका गला और आपके लंग्स जो है वो प्रभावित होते हैं. इसके सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा भयानक हो जाते हैं, बुखार भी चढ़ जाता है, इसमें फीवर हो जाता है और ठंड भी लग सकती है पेशेंट को. चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको. फ्लू जब होता है तो आपको फिर रेस्ट भी लेना चाहिए. एंड बहुत सारे दिव्यांशु कह रहे हैं, सर मेरी कोचिंग सेंटर के टीचर्स आपसे जलते हैं जब मैं आपकी तारीफ करता हूँ. उन सबको मेरी तरफ से हेलो कहिएगा, प्यार भरा नमस्कार करिएगा जी। ट्रैपोनीमा पैलिडम क्या है बेटा? सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है। ट्रैपोनीमा पैलिडम सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट होता है। नाउ फ्लू जो है इसमें टेक एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और अगर मान लो सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो फिर डॉक्टर दवाइयाँ लिख के देंगे आपको, एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो लेनी पड़ सकती हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जो जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड और जो फ्लू होता है ना, इनमें अंतर होता है। ये नहीं कह देना कि भई हमें फ्लू हो गया, हर समय कोई फ्लू नहीं हो जाएगा आपको। कॉमनली आपको जुकाम होता है, राइनो वायरस है, फ्लू के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस है। जो ज़ुकाम है उसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं फ्लू के कंपैरिजन में, और फ्लू में तो सिम्टम्स काफ़ी वर्स हो जाते हैं। ओके, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है, धीरे धीरे लक्षण आते हैं और फ्लू में एब्रप्टली आते हैं। कॉमन कोल्ड डू नॉट जनरली रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन फ्लू जो है इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस या कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है जी, क्लियर है इतना? राइट? आपने देखा होगा बहुत से बच्चों की आईडी हम बीच बीच में ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी ओवर स्मार्ट बन के कुछ ना कुछ फालतू की बात लिख रहे हैं, खड़ाक इमीडिएटली आईडी ब्लॉक्ड। ओके, नाउ वायरसेस दैट ओनली इन्फेक्ट ह्यूमंस, इज इट? जानवरों को नहीं करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला MMR वैक्सीन लगती है ना, मीजल्स, हिंदी में मीजल्स को क्या कहते हैं श्रद्धा, पता है आपको? खसरा। छोटे बच्चों में हो जाता है ना, छोटे छोटे, जैसे माता भी कह देते हैं, छोटी माता हो गई है ना। मम्प्स, स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ पे पैरामैक्सोवायरस, ऐसे कनपेड़े कहते हैं, कान फूल जाते हैं, छोटे बच्चों में होता है मम्प्स। ओके, रूबेला लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। That was about viral diseases। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो मैं कुछ और भी वायरल डिजीजेस चलो लिख देता हूं यहाँ पे। डेंगी, डेंगू का कॉजेटिव एजेंट होता है एक आर्बो वायरस, आर्थ्रोपोड बोन वायरस। कौन सा मच्छर डेंगू को फैलाता है? एडीज मॉस्किटो। डेंगू के लिए एडीज मॉस्किटो। एक होता है क्लासिकल डेंगू, एक होता है हेमोरेजिक डेंगू। डेंगू का जो वायरस होता है ना बेटा, वो क्या करता है कि वो प्लेटलेट्स का काउंट रिड्यूस करता है। आपने सुना होगा कि भाई प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ जाती है डेंगू में, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीजेस, दिस कैन रिजल्ट इन इंटरनल ब्लीडिंग। तो फिर हमें प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती हैं पेशेंट में। ठीक है, एक क्लासिकल डेंगू होता है, एक DHF होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सही कहा है सुमित ने, प्लेटलेट्स का काउंट जब कम होता है तो टेक्निकली उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लासिकल डेंगू एंड DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। उसमें जो है डिस्प्रिन क्यों नहीं यूज करते? हाँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो है आपका प्लेटलेट काउंट रिड्यूस है, तो डिस्प्रिन जो है और ज्यादा नुकसान पर करेगी, क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज जो है ब्लड की घटा देती है ना, इसलिए ब्लड थिनर्स की तरह यूज हो जाती हैं। और अगर प्लेटलेट काउंट रिड्यूस है तो ब्लीडिंग के चांसेस तो और ज्यादा है, डिस्प्रिन ले लेने से वो ब्लीडिंग टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, मुआज ने कहा बिल्कुल सही कहा, जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है तो बच के रहिए। चिकुनगुन्या, ये मुर्गी वाला चिकन नहीं है, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, इट इज चिकुनगुन्या। चिकुनगुन्या इट इज अ तंजानियन वर्ड, तंजानियन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है फोल्डिंग अप, बंडल्ड अप। पेशेंट लाइज फोल्डेड अप, इतना ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है कि पेशेंट अपने आप को फोल्ड कर लेता है, इतनी ज्वाइंट पेन होती है चिकुनगुन्या में। और इसको भी एडीज मॉस्किटो ही करता है। ऐसे ही येलो फीवर भी होता है, येलो फीवर इंडिया में तो नहीं देखने को मिलता है। सो डेंगू, चिकुनगुन्या आप याद रख सकते हैं, दोनों आर्थ्रोपोड वायरसेस हैं जो इन्हें करते हैं। रेबीज भी वायरल डिजीजेस में आता है, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई अगर कुत्ता काट जाए तो भाई टीके लगवाने पड़ते हैं, इतने सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, पेट में लगते हैं। खैर अब तो पेट में नहीं लगते और अब इतने ज़्यादा भी नहीं लगवाने पड़ते। ध्यान रखिएगा कि रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होता। सुनो ध्यान से, रेबीज का जो वायरस होता है it is present in the saliva of a rabid animal. Rabid animal जो है वो सिर्फ dog नहीं होता. Rabid animal can be cat also. चूहा भी, dog, cat, rat, wolf, jackals, horse, monkeys, squirrel, गिलहरी, चूहा. बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि अगर बाइट करें आपको तो रेबीज होने के चांसेस हो सकते हैं आपको. ठीक है, तो रेबीज की वैक्सीन एक ऐसी है जो पोस्ट एक्सपोजर दी जाती है कि जब काट लिया ना जानवर ने तब आपको लगाई जाएगी. एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा मानवेंद्र कि अब जैसे रेबीज के सिम्टम्स कम आएंगे. सपोज किसी को पैर के अंगूठे पे काटा है रेबीज वाले रैबिड एनिमल ने, तो इसका जो पैथोजन होता है ना वो न्यूरॉन के थ्रू ट्रेवल करके सेल बॉडी तक पहुंचता है. ठीक है, सपोज ये एक्सॉन एंडिंग है, यहां से पैथोजन वायरस चलते 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 पूरे एक्सॉन को कवर करके वो सेल बॉडी तक पहुंचेगा. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करना है उसने. तो अगर पैर पे काटा है तो उसे आपके दिमाग तक पहुंचने में बड़ा समय लगेगा. अगर कुत्ते ने आपको कंधे पे काट लिया तो आप में रेबीज के लक्षण जल्दी आने लगेंगे क्योंकि वायरस बहुत जल्दी ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंच जाएगा. समझ गए आप मेरी ये बात है. सो एनिमल ने बाइट शरीर के किस ऑर्गन पे करा है उसके हिसाब से सिम्टम्स आने में भी टाइम लगता है. हाइड्रोफोबिया, पेशेंट किसी भी चीज़ को स्वेलो करने से, पानी को स्वेलो करने से डरने लगता है. रेबीज को भी सही समय पर बिल्कुल अगर जो है नहीं पेशेंट को सपोर्ट मिला तो मृत्यु हो जाएगी. 100% फेटल है. राइट, क्लियर है जी. रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन मानवेंद्र ने सही कहा, जब एक्सॉन्स के थ्रू ऐसे कोई चीज ट्रांसपोर्ट होकर सेल बॉडी तक आ रही है दैट इज रेट्रोग्रेड. ऐसे एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन सेल बॉडी से अगर एक्सॉन की तरफ जा रही है. वंडरफुल जी. सो कैन वी मूव फॉरवर्ड विद द प्रोटोजोन डिजीजेस, बताइए. थैंक यू जी, आप मेरे पढ़ाने का तरीका अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. उसका फ़ायदा तभी अगर आप वाकई एक बेहतरीन रैंक लेके आए नीट में. जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है मैं ये चाहूँगा कि आप सेशन पे लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि एनर्जी का माहौल बन जाए. मोहम्मद इमरान, ग्रेट. डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, जिसमें एनसीईआरटी ने डिटेल में आपके सिलेबस में दिया है मलेरिया. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं. ट्रिपेनोसोमियासिस है, लेशमनियासिस है, राइट, देन एमीबियासिस है, बबेसियोसिस है. चलो जी शुरुआत करते हैं किससे, मलेरिया से. मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम, राइट. प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाय लेवरान, साइंटिस्ट का नाम. प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम जो कि सबसे डेंजरस है, प्लाज्मोडियम ओवेल, देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड देन प्लाज्मोडियम मलेरिये. दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट. सीरियस डाउट किसी ने पूछा था, उन्होंने लिखा भेजा वन वेरी सीरियस डाउट. सबसे पहले आपकी आईडी बिल्कुल ही नॉन सीरियस थी. दूसरा, आपके क्वेश्चन में कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, मैंने पढ़ लिया, हालांकि वो डिलीट हो गया वहां से. तीसरा, आपने बेवकूफ़ी करी बोल्ड लेटर्स में लिखने की. जितने बच्चे चालाकी करते हैं ना कैपिटल लेटर में लिख के भेजें सर का ध्यान हमारी तरफ जाएगा, बिल्कुल नहीं, सर उसे इग्नोर करेंगे. हालांकि पढ़ लिया, आपने ये लिखा था कि जब इन्फेक्शन होता है तो WBC का काउंट बढ़ जाता है, तो WBC का काउंट बढ़ जाता है तो बीमारी क्यों होती है, वो हमें बचा क्यों नहीं पाते. इसके लिए आप पीछे वाला सेशन जो मैंने लिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे इम्यूनिटी वाला, वो पूरा देखिए, दिमाग के कपाट खुल जाएंगे कि WBC बढ़ जाने पर भी, ल्यूकोसाइटोसिस और अडायापिडेसिस हो जाने पर भी इन्फेक्शन काहे हो जाता है, राइट. इसलिए जरूर आपको देखना चाहिए अपनी मानसिक हेल्थ के लिए भी. दिस इज द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट पॉइजनस नहीं कहा मैंने, दिस इज मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम बिकॉज इट कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया. It causes cerebral malaria, which is also known as black water fever. Why do we call it black water fever? The urine of the patient turns black, right? Pratik spelling bilkul galat likhe hain falciparum ke. The urine of the patient turns black because hemoglobin jo hai wo urine mein aane lagta hai. RBCs badi tezi se tootte hain, तो फ्री हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपीयरिंग इन यूरिन, तो यूरिन टर्न्स ब्लैक. free hemoglobin appears in urine. तो यूरिन काला पड़ जाता है, इसलिए हम इसे ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं. याद रहेगा. चलो ना मलेरिया की कहानी शुरू करते हैं भैया. मलेरिया की कहानी जब भी आएगी तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का जिक्र तो जरूर होगा. सर रोनाल्ड रॉस थे हु डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट. तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज डायजेनेटिक. द लाइफ साइकिल is diagenetic. Can you tell me what is the meaning of the word diagenetic? When I say life cycle is diagenetic, तो उसका मतलब क्या हुआ? खुशी ने गलत लिखा है, सोनाली और उज्जवल ने सही लिखा है. Two hosts. No. अब there is a primary host and there is a secondary host. There is primary host and there is secondary host. प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट देखते समय दो बातें देखनी होती. एक होता है क्लिनिकली, एक होता है बायोलॉजिकली. क्लिनिकली का मतलब कि नुकसान किससे हो रहा है. अगर मैं देखूं क्लिनिकली तो मैन मतलब ह्यूमंस प्राइमरी होस्ट, फीमेल एनोफिलीज सेकेंडरी होस्ट. किस आधार पे? क्लिनिकल आधार पे. बुखार किससे हुआ है? मच्छर को तो बुखार नहीं हुआ ना. अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिनिकली पूछा या बायोलॉजिकली. एक दूसरा तरीका होता है होस्ट देखने का, बायोलॉजिकल तरीका. बायोलॉजिकली हम ये देखते हैं कि पैरासाइट के लाइफ साइकिल की सेक्सुअल स्टेजेस कहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं. दो होस्ट है ना, कौन से वाले में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. तो उस केस में ये बात उल्टी हो जाएगी. फीमेल एनोफिलीज बिकम्स द प्राइमरी होस्ट. किस एंगल से? बायोलॉजिकली. बायोलॉजिकली हमने क्या देखना है? पैरासाइट के लाइफ की सेक्सुअल स्टेजेस कहां कंप्लीट होती है, बायोलॉजिकली वो देखना है. इज इट क्लियर जी? राइट नाउ. और बायोलॉजिकली जो मैन है, ह्यूमंस है, वो सेकेंडरी होस्ट है. सो आपको ध्यान रहेगा ये कंसेप्ट, प्राइमरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट. दो तरीके हैं ये चीज देखने के. इज इट क्लियर जी उज्जवल? और अगर आपसे एग्जाम में पूछा है क्लिनिकली विच इज द प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमंस. अगर पूछा है बायोलॉजिकली विच इज द प्राइमरी होस्ट, फीमेल एनोफिलीज. और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट जो है आपसे कहा गया है. राइट जी. अली हामिद कह रहे हैं आपसे गाइडेंस लेनी हो, डाउट्स पूछने हो बाय मींस ऑफ ऑडियो, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मुझे फ़ोन करें, मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूं, आप मुझसे बातें करें, ये कतई संभव नहीं है. आप लिख करके अपना डाउट टेलीग्राम पर भेज सकते हैं. टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए. बिकॉज हामिद खुद सोचो ना, लाखों बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, लाख बच्चों को फ़ोन नंबर दे दूँ तो मैं तो अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा. ठीक है. तो ऐसी कोई सुविधा मैं दुनिया के किसी शख्स को नहीं देता हूं. ऑडियो फैसिलिटी जो आपने नाम दिया तो वो किसी को प्राप्त नहीं है. ठीक है जी. डॉक्टर सचिन कपूर टॉक, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन कीजिए. हजारों बच्चे हैं यहां पे और भी जो डाउट्स पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से भी डिस्कस करते हैं. मानवेंद्र प्रताप सही बात है ना. So no audio facility. बड़ा खूबसूरत शब्द तुमने यूज किया, ऑडियो फैसिलिटी. हाँ ऑडियो फैसिलिटी होगी, तुम ऑडियो नोट भेज देना मुझे. जब टाइम लगेगा तुम्हारा ऑडियो नोट सुनूंगा और जब टाइम लगेगा ऑडियो नोट का जवाब दे दूंगा ऑडियो नोट से. है ना मस्त बात. तथागत मेरे नेबर्स को किस बात का फायदा होना है, वो मेरे से बायोलॉजी थोड़ी पढ़ेंगे. चलो. ओनली फीमेल मॉस्किटोज दे बाइट. फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं उनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं ताकि वो हमारा खून चूस सकें। और मच्छर हमारी तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? वाई मॉस्किटोज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अस? बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल आउट, because of our warm body temperature, because of the attractive chemical substances which are present in our sweat, एलोमोन्स कहते हैं जिन्हें हमें, है ना। तो मच्छर हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल करी, हमारा बॉडी टेम्परेचर ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड हमारे पसीने में प्रेजेंट एट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंसेज जिन्हें हम एलोमोन्स कहते हैं, जिसके कारण मच्छर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आयुष्मान ने कहा कि मच्छरों को हमारे से क्या चाहिए? फीमेल एनोफिलीज जो है वो कहती है कि इंसान के खून से मुझे एक प्रोटीन चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन। किस लिए चाहिए? अपने अंडे बनाने के लिए। सीरम एल्ब्यूमिन, दे रिक्वायर सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। नाउ व्हाई ओनली फीमेल मॉस्किटोज दे सक ब्लड? द रीजन इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज हैव पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, दे रिक्वायर सीरम एल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन फॉर फॉर्मिंग देयर एग्स। अब साइकिल की शुरुआत करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की। इट इन्वॉल्व्स टू होस्ट्स, ह्यूमंस एंड मॉस्किटोज। तो हमने डायजेनेटिक कह दिया इस लाइफ साइकिल को। मान लो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो सिट्स ऑन द ह्यूमन ब्लड होस्ट। ये देखो, ये इन्फेक्टेड लिखा है, मतलब जब हमने कहा इन्फेक्टेड मॉस्किटो है तो इसका मतलब है हर मच्छर इन्फेक्टेड नहीं है। ये नहीं कि आपको मच्छर ने काटा तो मलेरिया होगा ही होगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है सभी मच्छरों के सलाइवा में जो है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज हो। क्या मुझे बता सकते हैं प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, कम ऑन क्विकली, वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन बताएगा मुझे इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम? बिल्कुल सही कहा बक्कार ने, उत्कर्ष ने, सचिन ने, मानवेंद्र ने, स्पेलिंग गलत लिखे, स्पोरोजोइटिस। इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोरोजोइट। तो एक अगर मच्छर अगर इन्फेक्टेड है तो मतलब उसके पास स्पोरोजोइट्स हैं। कहाँ पे हैं? उसके सलाइवा में, मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट प्रेजेंट है। मच्छर आया हमारे पास, खून चूसा, एक बूंद खून चूस के मच्छर उड़ गया, लेकिन जैसे ही वो हमें काटते हैं सबसे पहले अपना सलाइवा डालते हैं। हमारा खून चूसने से पहले अपना सलाइवा डालते हैं। सलाइवा क्यों डालते हैं मच्छर? बिकॉज उनके सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम एनोफिलीन कहते हैं। ये देखो ध्यान से, मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा है, उसमें स्पोरोजोइट। मॉस्किटो की गट दिख रही है, पेट दिख रहा है इतना बड़ा। बकार सही कहा आपने, मच्छर जब हमें काटते हैं तो सबसे पहले अपना सलाइवा डालते हैं। अब आप देखो उनके सलाइवा के साथ, ये दिख रही है सलाइवरी ग्लैंड, ये रही सलाइवरी ग्लैंड से वो अपना सलाइवा रिलीज करेंगे भैया। क्यों? क्योंकि सलाइवा में एक एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है, एनोफेलिन, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, ताकि जब वो खून चूस रहा है तो ब्लड क्लॉट ना कर जाए। स्पोरोजोइट्स गए, ये देखो जी स्पोरोजोइट्स उसने यहाँ पे रिलीज कर दिए। मॉस्किटो इंजेक्ट्स प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स इनटू द ह्यूमन बॉडी अलोंग विद सलाइवा। रीजन समझ आ गया सलाइवा डालने का, राइट? रीजन समझ आ गया? हाँ, तो आप जो भी ये लिख रहे हैं, एक्चुअली आई एम इन क्लास 10th एंड आई हैव इंटरेस्ट इन नोइंग, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। वेरी गुड, यू आर इन क्लास 10th, दैट डज नॉट मीन आपका कोई नाम नहीं हो सकता। ये जो ऊटपटांग आईडी बनाई हुई है ना, इसको एक अच्छा नाम दो अपना, जो माता पिता ने आपको नाम दिया है, समाज में पहचान दी है। और कैपिटल लेटर्स में लिखने की बजाय नॉर्मल लेटर्स में लिखो, रेगुलर आओ क्लासेज में, तुम्हारे सारे फंडे वंडे क्लियर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी हियर दैट द स्पोरोजोइट्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में स्पोरोजोइट्स रिलीज कर दिए, उसने तो अपना सलाइवा डाला था, उसने ये सोचा नहीं था मैंने स्पोरोजोइट डालने। सलाइवा क्यों डाला? क्योंकि उसमें नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है एनोफिलिन, लेकिन सलाइवा के साथ साथ हजारों स्पोरोजोइट्स ब्लड में चले गए। अब ब्लड के बाद ये स्पोरोजोइट थोड़े समय बाद इंसान के लिवर में चले जाते हैं। तो स्पोरोजोइट्स जो है ब्लड से पहुंच गए लिवर में। जिस इंसान को मलेरिया हो जाता है उसमें हम कहते हैं लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। लिवर को मलेरियल पैरासाइट का स्टोर हाउस कह देते हैं। Now, sporozoites infect the liver cells and reproduce asexually. ये liver cells में को प्रभावित करते हैं। Liver cells को क्या बोलते हैं? Hepatocytes, right? तो आपने देखा hepatocytes में चले गए, यहाँ पे sporozoites they change into cryptozoites, cryptozoites they change into schizoid। शाइजॉन्ट रप्चर्स एंड रिलीजेस क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, वो आगे आप एमबीबीएस में जाकर के ना पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सारी स्टेजेस नहीं बता रहा वरना साइकिल बहुत लंबा हो जाएगा। स्पोरोजॉइड से बनते हैं क्रिप्टोजॉइड, क्रिप्टोजॉइड से बनता है शाइजॉन्ट, शाइजॉन्ट रप्चर होता है, फिर बनते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स लिवर से बाहर आ जाते हैं, कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स लिवर के अंदर ही रहते हैं। जो क्रिप्टोमीरोजॉइड लिवर से बाहर आ जाते हैं वो आरबीसीज पे हमला करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्लाज्मोडियम का मकसद है आपके आरबीसीज को बर्बाद करना, आपके हीमोग्लोबिन को खा जाना। तो कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स आरबीसी पे अटैक करते हैं, कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स लिवर में ही बने रहते हैं। जो लिवर में बने रहते हैं वो एक रिजर्व स्टॉक का काम करते हैं और लगातार वो डिवाइड करके नए क्रिप्टोमीरोजॉइड बना बना के बाहर भेजते रहेंगे लिवर से। इतना क्लियर है जी? राइट? पार्थ कह रहे हैं मॉस्किटो ब्लड ग्रुप देख के खून पीते हैं, मॉस्किटो से पूछना पड़ेगा। स्पोरोजॉइड्स मल्टीप्लाई एंड डेवलप इनटू शाइजॉन्ट, दिखाई आपको मैंने बोला था ना, स्पोरोजॉइड्स जो है पहले क्रिप्टोजॉइड बनाते हैं और फिर उसके बाद शाइजॉन्ट बन जाता है। लिवर में ये शाइजॉन्ट बना, शाइजॉन्ट से बनते हैं फिर अगली स्टेज जो कि क्रिप्टोमीरोजॉइड्स है, यहाँ पे सिंपली नाम उन्होंने मीरोजॉइड्स लिख दिया। लिवर सेल्स दे रप्चर एंड रिलीज मीरोजॉइड्स। इन मीरोजॉइड्स का अल्टीमेट मकसद क्या है? इन मीरोजॉइड्स का अल्टीमेट मकसद है कि ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच करके आरबीसीज के ऊपर हमला करना। मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट आरबीसीज एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्लाइड्स मजेदार है ना, ब्यूटीफुल हैं, तो लाइक जरूर बनते हैं जल्दी से। मोर देन 100 लाइक्स वी शुड हैव ड्यूरिंग द लाइव सेशन। मैं अंडरलाइन करता हूं इस चीज को, मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट द आरबीसीज एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब मीरोजॉइड्स का काम क्या है? उनको भैया हीमोग्लोबिन को खाना है। मीरोजॉइड्स ब्रेक हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर है ना हीमोग्लोबिन, दे ब्रेक हीमोग्लोबिन इनटू हेम and globin. Globin is the protein part, so it is utilized. Heme is the iron containing part. ये heme जो होता है ना, it gets deposited in the form of hemozoin granules. ये question पूछते हैं, it gets deposited in form of hemozoin granules inside the parasite, so we call it as Schaffner dot stage, right? ऐसे डॉट डॉट जैसा नजर आता है तो हम इसे Schaffner dot stage कह देते हैं। Merozoites mature and multiply to form the blood stage Schizont. तो ब्लड में भी शाइजॉन्ट बनता है। अब मीरोजॉइड्स आरबीसी को जो है हीमोग्लोबिन को खा रहे हैं, फिर मीरोजॉइड्स रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने फीडिंग कर लिया, पेट भर लिया, अब मीरोजॉइड्स कहते हैं हम रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होता है जी, इतने ज्यादा मीरोजॉइड्स आरबीसी के अंदर बन जाते हैं कि आरबीसी जो है वो रप्चर कर जाते हैं। सपोज दिस इज मीरोजॉइड, ये मीरोजॉइड्स है। आरबीसी के फटने से आरबीसी रप्चर, आरबीसीज रप्चर हुए तो ढेर सारे मीरोजॉइड्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। अब आपको फीवर होगा। When RBCs rupture and merozoids along with the hemozoin granules, they are released into the blood. Merozoids रिलीज हुए आरबीसी के फटने से, हेमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद फीवर। अब आपको बुखार चढ़ेगा, अब पेशेंट को बुखार चढ़ेगा, इससे पहले नहीं चढ़ा। इतनी सारी स्टेजेस हो रही थी, पेशेंट को कुछ नहीं पता। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद फीवर, तो हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, इतना टाइम लग गया तो अभी तक क्या हो रहा था। दिस इज इनक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इनक्यूबेशन पीरियड? इट इज द ड्यूरेशन बिटवीन एंट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट इनटू द ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। मलेरियल पैरासाइट ब्लड में एंटर करा और लक्षण आए, सिम्टम्स आए, वी कॉल इट एज इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए ये इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। तो हम किसका जिक्र कर रहे हैं? जो लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, कितनी सारी स्पीशीज थी, हम किसका लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का नहीं, प्लाज्मोडियम मलेरिया का, प्लाज्मोडियम ओवेल का, या एक और कौन सा प्लाज्मोडियम है बताइए? चार स्पीशीज, वाइवेक्स, बिल्कुल सही। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में ये इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है, राइट जी। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। इसका मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री ऑफ द प्लाज्मोडियम इनटू द ब्लड एंड अपीयरेंस ऑफ मलेरियल सिम्टम्स। ना जो मीनोजॉइड्स रिलीज हुए वो नए आरबीसीज पे हमला करते रहते हैं, तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। मीरोजॉइड्स आरबीसी में घुसे, हीमोग्लोबिन खाया, आरबीसी में रिप्रोड्यूस करे, आरबीसी फटे, फिर मीरोजॉइड रिलीज हुए, फिर उन मीरोजॉइड ने आरबीसी को खाया। तो ये हर दो दो दिन बाद, तीन तीन बाद बुखार चढ़ता रहता है ऑल्टरनेट डेज पे। ठीक है जी, राइट। नाउ होता क्या है कि सम मीरोजॉइड्स दे डेवलप इनटू गैमेटोसाइट्स। कुछ मीरोजॉइड्स जो हैं दे डेवलप इनटू गैमेटोसाइट्स sexual stages. There are male microgametocytes and there are female macrogametocytes. ऐसे RBCs जिनके अंदर gametocyte stage होती है, ध्यान से सुन लो। RBC फटे थे, मीरोजॉइड रिलीज हुए, मीरोजॉइड ने कहा चलो अब नए RBC पे हमला करो, भाई मिलियंस ऑफ RBCs हैं, खाते जाओ इनको। फिर खा के पेट भर जाता है, फिर मीरोजॉइड्स कहते हैं भैया अब हमें रिप्रोड्यूस करना है, अब हमें कुछ और करना है, अब हमें मच्छर के शरीर में जाना है। तो देन सम मीरोजॉइड्स चेंज इनटू अ सेक्सुअल स्टेज कॉल्ड गैमेटोसाइट्स। RBCs containing the gametocyte stage migrate to superficial blood vessels. स्किन की blood vessels तक आ जाते हैं, ताकि जब कभी कोई मच्छर आके काटेगा तो उस मच्छर के शरीर में हम चले जाएंगे ब्लड के साथ। superficial blood vessels में ही मच्छर काटेगा आके, स्किन की blood vessels में। तो उन RBCs के जिनके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस हैं, मच्छर के शरीर में जाने की प्रोबेबिलिटी तो तभी बढ़ेगी ना अगर वो superficial blood vessels में। Are you getting this point? तो अब मान लीजिए एक मच्छर आया नॉर्मल, अब ये मत सोचना ये वही वाला मच्छर आया जिसने पहले पहुंचाया था शरीर में, अरे ऐसा नहीं है। मच्छर आया एक रैंडमली, मच्छर तो काटते ही रहते हैं। मान लो एक मलेरिया का पेशेंट है, उसको एक मच्छर ने आके काटा, वो मच्छर बेचारा हेल्दी था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, मच्छर ने काटा, उसका खून चूसा। अब मच्छर ने तो ब्लड इसलिए सक करा था, उसे सीरम एल्बुमिन ब्लड प्रोटीन चाहिए। अब मच्छर का क्या पता उस सीरम एल्बुमिन के साथ वो एक मुसीबत प्लाज्मोडियम भी अपने साथ ले जा रहा है। तो मच्छर के शरीर में ढेर सारे आरबीसी चले जाएंगे, मच्छर सेलेक्ट नहीं कर सकता कि मुझे मीरोजॉइटी चाहिए, राइट। आरबीसीज कंटेनिंग डिफरेंट स्टेजेस एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। नाउ वंस इट एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो देयर इज ड्रास्टिक डिफरेंस इन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर में जो खून है गर्म है, मच्छर के शरीर में आया तो तापमान कम हो गया, तो मच्छर के इंटेस्टाइन में पहुंचते ही आरबीसी फटने लगते हैं, राइट। तो ये देखो जी, मच्छर की एलिमेंट्री कैनाल में फीमेल गैमेटोसाइट मेल गैमेटोसाइट है, यहाँ पे फीमेल गैमीट मेल गैमीट बनेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बन जाएगा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ध्यान रखना? इन दी स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, इन दी स्टमक वॉल ऑफ द मॉस्किटो। हामिद कह रहे हैं हाउ डू आई टेल कि आप मेरे कितने फेवरेट टीचर हो? योर पॉजिटिव एटीट्यूड, योर इनडेप्थ एक्सप्लेनेशन फोर्सेज अस ओनली टू जस्ट स्टिक टू योर लेक्चर्स। थैंक यू हामिद, आप सच्चे दिल से अगर ये बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है ये मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट। पढ़िए, खुश रहिए और ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन ज़रूर करिए, यही कहूँगा मैं। ओके, सो क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन जो है स्टमक वॉल में होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट को वर्मिक्यूल भी कहते हैं। इट शोज वर्म लाइक मूवमेंट्स। ध्यान रखिएगा, जानवरों के जाइगोट मूव नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शनल सिचुएशन दिख रही है कि जाइगोट मूव भी कर रहा है। सो जाइगोट को हम वर्मिक्यूल भी कह देते हैं, आप सब ध्यान रखेंगे। मैं पिछली स्लाइड पर आ रहा हूँ, जाइगोट को वर्मिक्यूल भी कहते हैं। इट शोज वर्म लाइक मूवमेंट्स। This zygote is going to form the oocyst, then it forms the sporocyst, और फिर उसके बाद ये sporozoids बन जाते हैं। और यहीं से हमने कहानी शुरू करी थी कि sporozoids present होते हैं salivary glands में। तो sporozoids stomach wall को penetrate करके हेमोसील में आ जाएंगे। हाँ, oocyte भी कहते हैं, हुसैन ने सही कहा, zygote और the vermicule और the oocyte। तो ये sporozoids stomach wall को penetrate करके जो है हेमोसील के थ्रू जो है सलेवरी ग्लैंड्स तक आ गए। देखें, इन्होंने स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करा एंड दे एंटर इनटू द सलेवरी ग्लैंड्स एंड नाउ दिस मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड। नाउ यू कॉल दिस एज एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये जिस किसी को काटेगा उसके ब्लड में ये स्पोरोजॉइड्स को डाल देगा। सेम मॉस्किटो इंजेक्ट्स द स्पोरोजॉइड्स इनटू अनइन्फेक्टेड ह्यूमंस एंड द साइकिल कंटिन्यूज, राइट। सुमन कह रही है थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल स्लाइड्स। पूरी पूरी टीम के लिए आपके दिल से थैंक यू होना चाहिए। सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, पूरा पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे करा रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको इसके अलावा और क्या चाहिए होगा। पार्थ कह रहे हैं आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके लिए वोट करेंगे। पार्थ, लेकिन उसके लिए आपकी उम्र भी तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए ना, है ना। वोट का अधिकार तो आपको तभी मिलेगा। आप ये किया करो, मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करो, लाइक ज़रूर कराया करो, शेयर कराया करो। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो ओके जी, मलेरिया जैसे हो जाएगा, उसके लक्षण क्या है? बुखार चढ़ेगा, ऑल्टरनेट डेज पे थकावट होगी, सिर दर्द होगा, मसल्स में पेन है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी हो सकती है। किसी को हुआ है मलेरिया कभी? कोई बताएगा मुझे, कोई मलेरिया पेशेंट है जिसने मलेरिया एक्सपीरियंस करा है? बड़ा तेज बुखार चढ़ता है, कांपते हैं, बड़ी ठंड लगती है इसमें। नो आफ्टर मलेरिया के लिए ड्रग्स हैं, मेपाक्राइन, पालूड्राइन। पहले मलेरिया के लिए क्विनीन ड्रग देते थे। क्विनीन आपने सुना होगा, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से मिलती है क्विनीन। अब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं तो इसलिए हम क्विनीन जो है नहीं देते हैं। उज्जवल कह रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बचाए हमें ऐसी बीमारी से। हेलो जय पटेल, कैसे हो बेटा? ओके, नेक्स्ट इज अमीबियासिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इट इन्फेक्ट्स योर लार्ज इंटेस्टाइन। एमीबियासिस जो है लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। एंड मक्खियाँ जो हैं फैलाती हैं इसे। हाउस फ्लाई एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, जैसे हमने टाइफाइड के केस में पढ़ा था। और इसमें क्या है भाई, कब्ज़ हो सकती है, स्टमक एक या फिर लूज मोशंस भी हो जाते हैं कुछ लोगों में, थकावट है। ज़्यादातर बीमारियों के लक्षण आप देख रहे हैं सिमिलर से ही मिल रहे हैं। तो दवाइयाँ देते हैं फिर पेशेंट को ठीक करने के लिए, है ना। हेलमिंथ डिजीजेज में कितनी सारी आ गई। एस्केरियासिस, एस्केरियासिस वाला कौन था? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। फिलेरियासिस जैसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। एंटीरोबियासिस, एंटीरोबियस वर्मिक्युलरिस, पिनवर्म, सीटवर्म या थ्रेडवर्म होता है। शिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक होती है, शिस्टोसोमियासिस करती है। लोवा लोवा आईवर्म है, लोएसिस करता है। ट्राइच्यूरिस, ट्राइच्यूरा। ओके जी, एस्केरियासिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होता है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस एंड इन्फेक्शन इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। एस्केरिस का मोनोजेनेटिक है लाइफ साइकिल, सो इसका कोई दूसरा होस्ट नहीं होता है। इन्फेक्शन इज डायरेक्ट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, जिसमें कि सेकेंड स्टेज रेब्डिटिफॉर्म लार्वा होता है। एस्केरिस वर्म जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और ढेर सारे एस्केरिस वर्म्स एक साथ हो सकते हैं, राइट जी। इन्फेक्टेड होस्ट से ओरोफिकल रूट के जरिए जो है ये पहुंच जाता है। सो एस्केरियासिस के केस में देर इज नो इंटरमीडिएट होस्ट, मोनोजेनेटिक है लाइफ साइकिल इसका। देर इज नो इंटरमीडिएट होस्ट। इन्फेक्शन इज डायरेक्ट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या फ्लाइज, अनवॉश्ड हैंड्स, कंटेमिनेटेड वाटर, उनसे फैल जाता है। अब एस्केरिस हम कहते हैं ना, पेट में कीड़े, तो भाई एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, इंटेस्टिनल पैसेज ब्लॉक हो सकता है, वेट लॉस होगा, बुखार चढ़ेगा, मसल्स में पेन है। तो डी वर्मिंग ड्रग्स देते हैं हम, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि वर्म जो है वो शरीर से बाहर निकल जाए। कितना लंबे समय तक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं? एंड इट इज़ मोर कॉमन इन केस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों की आदत होती है मिट्टी में खेलना, नाखूनों में मिट्टी इकट्ठी है, मुंह में डाल दी वो चीज़, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स दे आर गिवन टू गेट रिड ऑफ दी वर्म्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। फिलेरियासिस जिसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, हाथी पाँव कह रहे थे ना, एलिफेंटियासिस। वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी है एंड ब्रुग्या मलय भी है। एनसीईआरटी ने ब्रुग्या मलय लिखा है। एल्बेंडाजोल बिल्कुल ठीक लिखा है पार्थ आपने। सो इसका जो लार्वा होता है ना, माइक्रोफिलेरिये, फिलेरियासिस में जो लार्वे हैं, वर्म के लार्वे, माइक्रोफिलेरिये लार्वे, दे ब्लॉक लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ का फ्लो रुक जाता है। दे ब्लॉक लिम्फ वेसल्स, सो द फ्लो ऑफ द लिम्फ स्टॉप्स। लिम्फ का फ्लो जो है अगर ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण फिर सूजन हो जाती है, लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, लिम्फ सूज जाती हैं। और इसके लिए जो वेक्टर है दैट इज क्यूलिक्स मॉस्किटो। ध्यान रखना, मच्छरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एडीज बताया था मैंने डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर में। एनोफिलीज बताया मलेरिया में। और क्यूलिक्स जो है वो है फिलेरिया के लिए, राइट। यश कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आई एम लेट, आपका रिकॉर्डिंग देखूंगा सेशन का। बिल्कुल जी, ऑल द बेस्ट, देखना जरूर। नो अब इसमें सिम्टम्स है बुखार, ठंड लग सकती है, नोजिया और धीरे धीरे देखो कितनी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्स, और मेल्स के केस में स्क्रॉटम जो है बहुत ज़्यादा स्वेल हो सकता है। ओके, फिर इसका इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फंगल डिजीजेस, बहुत सारे फंजाई भी हैं जो कई तरह की बीमारियां जो हैं करते हैं। रिंग वर्म जो है वो काफ़ी कॉमन है ना, और नाखूनों को प्रभावित कर सकता है, बालों को, स्किन को। कॉजेटिव जेनेरा जो है इसके पूरा जीनस है, माइक्रोस्पोरम, देन देर इज एपिडर्मोफाइटन एंड देर इज ट्राइकोफाइटन, दीज आर द जेनेरा ऑफ फंजाई। और इनके माइसीलिया जो हैं स्किन एपिडर्मिस में ग्रो करते हैं, और मिट्टी से पेशेंट का टॉवल यूज़ कर लेना दूसरे का, या कोम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, उससे जो है फैलता है। जैसे बालों में हो जाए तो पूरे पैचेस में बाल ही जो है उतने उतने उड़ जाते हैं, और स्किन के ऊपर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। अगर बियर्ड में हो जाए सो वहाँ पे भी इतने बड़े बड़े पैचेस बन जाएंगे और बाल नहीं आते हैं फिर वहाँ पे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एरिया हो जाए, शेयरिंग कॉम, टॉवल एट्सेट्रा, उससे स्क्रैपिंग द लेजन एंड ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप, उससे हमें पता चल जाएगा कि रिंग वर्म का इन्फेक्शन है। सो कई तरह के सोप्स आते हैं, फिर एंटी फंगल क्रीम्स हैं, ओरल एंटी फंगल ड्रग्स देनी पड़ती हैं। एथलीट्स फुट आपने सुना होगा, है ना, एथलीट्स फुट, इट इज कॉमनली सीन इन स्पोर्ट्समैन हु वियर वेरी टाइट शूज। हमने देखा कई लोगों की सॉक्स में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। रेड फ्लेकी रैशेस हो जाते हैं टोज़ के बीच में, ऐसे ऐसे। तो ऐसा अगर कभी भी होता है तो आपको डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, वरना आप तो परेशान होंगे ही, लेकिन आप साथ के साथ और बहुत सारे लोगों में भी इस चीज़ का इन्फेक्शन जो है आगे फैला दें। फ्लेक नहीं समझते आप, गूगल में वर्ड डाल के देखिए, फ्लेक का मतलब आपको पता चल जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े जैसे हम कह देते हैं, फ्लेक्स, राइट। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट यू हैव, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सबने लाइक भी करा है, मज़ा भी आया है, आपने शेयर भी करा है। अब मैं आपको बता दूं, नहीं यहाँ पे चैट में क्वेश्चंस पूछना मुश्किल होगा। आप सब लोग जो है हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीट आकाश डिजिटल के नाम से, राइट। टेलीग्राम आपको कौन कौन से ज्वाइन करने, एक आपको ज्वाइन करना है बायो की रणनीति, राइट। इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर होती है। उसके बाद नीट आकाश डिजिटल एंड मेरे से बातचीत करनी है, डॉक्टर सचिन Kapoor Talk, TALK. You can discuss your doubts. We share study material also. हाँ, उज्जवल ड्रग एब्यूज़ अभी रहता है हमारा, वो भी हमने पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देते हैं हमारे अलग अलग कोर्सेज के। एंड आप हमारी आकाश बायजूस की जो ऐप है वो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। 14 डेज़ के लिए हम आपको फ्री ट्रायल भी दे रहे हैं। हाँ गिरिजा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के कौन से चार्जेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप करिए बिल्कुल, ठीक है। तो अब विदा ले सकते हैं, नमस्कार कह सकते हैं, चलो जी नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लेक्चर को लाइक और शेयर करते रहिएगा, बाय बाय।